relationship between two accounting figures, relationship between two accounting figures is known as रेशियो। सबसे पहली बात दिमाग में ये सेट कर लो, रेशियो जो होते हैं वो छोटे लेवल की चीज़ नहीं है। छोटे लेवल की चीज़ का मतलब अकाउंटेंट, ये छोटे मोटे स्टाफ, वो लोग ये यूज नहीं करता है। अगर किसी इंडस्ट्री में जाओगे तो रेशियो यूज़ करने वाले पर्सन कौन होता है? वो हायर मैनेजमेंट, ठीक है जी। वो कभी भी अकाउंटेंट, वहाँ का जो अकाउंटेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे, वो कभी रेशियो यूज नहीं करता है। रेशियो कौन यूज करता है? मैनेजर, ठीक है जी। सीईओ, सीएफओ, ये सारे जितने अपर लेवल का है, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, यानी कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये जितने लोग हैं, ये लोग एक एक अकाउंटिंग वैल्यू नहीं देखता है, वो सिर्फ एंड सिर्फ रेशियो चेक करते हैं, दो के बीच में रिलेशन बनाते हैं। अब देखिए रिलेशन क्या होता है, कभी एक साल का पिछले साल के रिलेशन में होता है, कभी हमारे एक ही साल का दो डेटा होता है। जैसे देखिए, अब मैं कहता हूं, अब वो बॉस देखता है कि सेल पहले 10,000 करोड़ था, इस बार कितने हो गए? 15,000 करोड़ देख लिया उसने। और फिर देखते हैं कि पिछले बार इसने 1,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था और इस बार ये 800 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ओ, कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान से देखो। ये भी रेशियो है, लेकिन अब ये दो साल के डेटा का रेशियो नहीं है। रेशियो कैसे बना रहे हैं भाई? जब पिछले साल 10,000 करोड़ का सेल करके 1,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, इसका मतलब 10% का प्रॉफिट था ना इसका, तो इस बार 15,000 का सेल करके सिर्फ 800 का प्रॉफिट जनरेट करा, कुछ तो बात है। तो बॉस लोग भी यही करता है। रेशियो क्या करते हैं, हमें डिफरेंसेज, जो एक्सेप्शनल नेचर का जो आइटम्स है ना, वो फटाफट हमें इंडिकेट करके दे देते हैं। और जैसे हमारे पास इंडिकेट करके आ गए, तो उसके बाद हम लोग उसको गहराई में जाके, एक ऑडिट ट्रेल बन जाता है, कहीं ना कहीं से वो लिंक होगा, इसके लिंक वो, इसके लिंक वो, इसके लिंक वो, इस तरीके से क्या करते हैं, पकड़ में आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा इनकम टैक्स अकाउंट डिपार्टमेंट का कैसे पकड़ता है वो किसी इंसान को, बताओ। मान लीजिए मैंने यहाँ से रेंट दिया, ठीक है, ध्यान से सोचिएगा, मैंने 1,00,000 रुपीज़ का रेंट दिया, ठीक है, जिसको मैंने दिया उसने अपना रिटर्न फाइल कर लिया और उसका कभी स्क्रूटनी में फंस गया, ठीक है जी। स्क्रूटनी करते टाइम देखा कि अच्छा, ये 1,00,000 रुपीज़ किसी ने इसको बार बार रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। अब उनको एक जरिया मिल गया उसको ढूंढने का, अच्छा ये कहाँ से लाए हैं, इनसे लाए, अच्छा इनका डिटेल देना, ले लेते हैं उनसे, या उनको डिटेल वहीं से मिल जाते हैं, ठीक है जी। डिटेल मिल गए, अब जाते अपने डेटाबेस में ढूंढता है, वो डेटाबेस में ढूंढता है, जो इंसान 1,00,000 रुपये रेंट पे कर रहा है, इसका मतलब महीने का तो साल का तो 12,00,000 हो गए, क्या वो 12,00,000 जिसने पे करा है इसका मतलब 12,00,000 ही तो नहीं कमाया होगा, ठीक है जी, ज़्यादा कमाया होगा। अच्छा उसने अपना रिटर्न फाइल किया नहीं किया, क्या आपने अगर रिटर्न फाइल किया तो कितना दिखा रखा है, फटाफट उसको क्या करो, पकड़ो। अब मान लीजिए गलती से रिटर्न फाइल किया हुआ नहीं मिला, अच्छा 12,00,000 का रेंट पे करते हो, रिटर्न फाइल नहीं करते हो, नोटिस डाला, ठीक है जी। यानी कि एक दूसरे से जो ट्रांजेक्शन लिंक बनते हैं उसी से वो लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो रेशियो की अहमियत समझिए, ये छोटे लेवल वाले इस सबको मतलब नहीं है, बड़े लेवल वाले एक एक ट्रांजेक्शन को नहीं देख सकता है, इसीलिए वो लिंक बनाता है। लिंक बनने के बाद जैसे वहां पे कहीं पे जो एक्सेप्शनल नेचर के ट्रांजेक्शन नजर आते हैं, क्योंकि जब कंपैरिजन करते हैं, एक एक डेटा से कभी पता नहीं चलता है। आप मुझे बताओ, मैं सेल बढ़ा रहा हूं तो क्या मेरा कॉस्ट नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, मैं सेल बढ़ा रहा हूं तो कॉस्ट तो बढ़ना ही बढ़ना है। मान लीजिए पहले होटल एक्सपेंडिचर आता था 10 करोड़ का, अब इस बार आ गया 15 करोड़ का, तो हमें इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है बताओ भाई? हमने अपना बिजनेस ऑपरेशन बढ़ाया है तो हमारा एक्सपेंसिस बढ़ना तो जेन्यून सी बात है, लेकिन दिमाग में कब खटका बताओ? हम कह रहे जब सेल हमारा 1.5 गुना हो रहा है, 10,000 करोड़ से हमने कितने करोड़ पहुंचा दिया? 10,000 करोड़ से हमने अगर 15,000 करोड़ पहुंचा दिए हैं भाई, तो प्रॉफिट कैसे कम हो सकता है 800 पे? कुछ जरूर लोचा है इसके अंदर। तो अब हम गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। अब हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए बताना कोई मुझे? कॉस्ट पे होना चाहिए। अब हमारा ध्यान एक्सपेंस पे जाना चाहिए कि कौन सी एक्सपेंसेज ऐसे जो ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप मुझे बताओ 10,000 से यहां पे 1,000 का प्रॉफिट कमाए तो 9,000 का एक्सपेंडिचर होगा ना, यहां कितने का एक्सपेंडिचर होना चाहिए?
कंपैरेटिवली 9,000 का 1.5 गुना हो जाए तो चल जाता, लेकिन यहां पे अगर जैसे ही बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ा हुआ अगर कोई एक्सपेंडिचर नजर आया, कोई एक्सपेंडिचर मुझे नजर आया 4 गुना बढ़ गए, तो हम बोलेंगे भाई ऐसा काम कर क्यों रहे हो, फायदा बढ़ा रहे हो 1.5 गुना, मतलब 10 को कर रहे हो 15 और अपना खर्चा बढ़ा रहे हो 100 से 400। एक काम करो 300 मत खर्चा करो, 100 ही चलाओ, 1,000 से ही काम चलाओ, ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत है। मान लीजिए कुछ लोग क्या होता है घर पे जाके खूब पढ़ते खूब पढ़ते खूब पढ़ते, इतना पढ़ते हैं कि उसका आउटपुट कुछ आता ही नहीं है, कैसे दिमाग काम करना छोड़ दिया ना उनका। अब मुझे बताओ तो क्या फायदा उस पढ़ने का, भाई ऐसा पढ़ो ना जिसका कुछ कुछ मायने हो। इतना भी आप, मैं कहता हूं कि सेल मत बढ़ाओ, क्योंकि सेल बढ़ाने के लिए आपने इतना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया कि आपका प्रॉफिट नीचे चला गया, तो करा क्या आपने, मजे ले रहे थे क्या। इसका मतलब ये है कि ये सारा चीज कैसे आप पहचान पाओगे, जब हम, क्योंकि हम एक एक आइटम से कर नहीं रहे, एक्सेप्शनल आइटम ढूंढना है तो यही काम करना होगा, तो दो तीन तरीके से करते। देखो क्या क्या हमने बोला, एक साल का डेटा दूसरे साल के डेटा से कंपेयर कर लो, ठीक है, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के बेसिस पे देख लो बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए तो क्या उस दूसरे चीजों के कंपैरिजन में, बेनिफिट के कंपैरिजन में क्या एक्सपेंस उसी रेशियो में बढ़ा या नहीं बढ़ा एक साल का दूसरे साल। कभी कभी सेम ईयर में एक अकाउंटिंग वैल्यू को दूसरे अकाउंटिंग ईयर से बनाते हैं, कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि भाई हम 10% प्रॉफिट जनरेट करते हैं और हमारे जैसे पड़ोसी जो है, बोलोगे पड़ोसी कौन हो गया, मान लीजिए ये कोई आईटी इंडस्ट्री वाले हैं, आईटी का कंपनी है ये, हम कहते हैं आईटी कंपनी में जो दूसरे कंपनी है वो 10,000, यानी कि वो क्या कहते हैं 25% का प्रॉफिट जनरेट करता है, कितना परसेंट का, अगेन ये देखो, अगेन ये रेशियो है, ये क्या है बताओ रेशियो, रेशियो का खासियत क्या होता है, देखिए 100 में अगर 10 है तो 200 में क्या कहता है 20 होना चाहिए, 300 में कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। रेशियो का एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो अमाउंट इग्नोर कर देता है, अमाउंट इग्नोर कर देता है, और देखो लॉजिकल यही कहता है कि अगर 100 में 10 है तो 200 में 20 होना चाहिए, 300 में 30 होना चाहिए, समझ में आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 100 में 10 है, 200 में 20, 300 में 30 है, इस तरीके से अगर कभी आता है तो अब मुझे बताइए ये सब कहता है सेम है, कैसे पता चलेगा सेम है बताओ, ये वैल्यू से नहीं पता चलेगा, रेशियो से पता चलेगा, यही है रेशियो की खासियत। रेशियो की खासियत यह है कि 10 डिवाइडेड बाय 100 10%, 20 डिवाइडेड बाय 200 10%, 30 डिवाइडेड बाय 300 10%, ये है रेशियो की खासियत। जब हम दो डेटा को कंपैरिजन करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो प्रोपोर्शनेटली एक बढ़ा होगा तो भाई दूसरा तो बढ़ना ही चाहिए ना, वो क्यों नहीं बढ़ेगा, तो वो अकाउंटिंग वैल्यू से नहीं पता चलता है, वो क्या चीज से पता चलता है, रेशियो से, रिलेशनशिप से। क्लियर यहां तक। तो अब मैं कहता हूं कि मैंने देखा कि आईटी वाले पड़ोसी जो है वो पड़ोसी कितना जनरेट करता है 20%, हम कितना जनरेट कर रहे हैं सिर्फ 10%, अरे हमारा परफॉर्मेंस तो पड़ोसी से बुरा है। अब हम क्या करेंगे, कुछ पड़ोसी का डेटा वगैरह ढूंढ ढूंढ के हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो बताओ रेशियो कितने चीजों के बीच में रिलेशन बना सकता है, फिर जल्दी करो टाइम मत लगाओ। दो डिफरेंट ईयर के अकाउंटिंग वैल्यू, सेम ईयर का दो डिफरेंट अकाउंटिंग वैल्यू, एक कंपनी का दूसरे इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ द कंपनी के साथ भी किसी भी चीज के बीच में रेशियो हो सकता है। रेशियो गिरगिट के जैसे रंग बदलता है, रेशियो का कोई फिक्स रूल होता ही नहीं है। रेशियो एनालिसिस का मतलब है हमें जिस तरीके से इंटरप्रेट करना है उस तरीके से हम ले सकते हैं। जैसे देखिए मैं कहता हूं आपने कॉस्ट एफ एम में 80 मार्क्स लाया, कॉस्ट ऑफ अब कॉस्टिंग तो अलग हो गया, अब एफ एम में आ जाओ, 80 मार्क्स आपने लाए एफ एम में, ये मार्क्स आपका कितना परसेंट है, ये मार्क्स कितने परसेंट है, कितने परसेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं 80%, मैं कहता हूँ गलत बोल रहे हो आप, मैं आपको कहता हूँ गलत बोल रहे हो, ये तो बताओ बेस क्या है। अब देखो रेशियो कैसे चीज है, एक ही चीज का 25 आंसर हो सकता है, बेस बदलते जाओ बदलता जाएगा, कभी रेशियो परसेंटेज में आते हैं, कभी रेशियो टाइम्स में आते हैं, कभी रेशियो कुछ और चीज आएंगे, सब कभी इज टू में निकालेंगे, कुछ के अलग अलग तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब मुझे बताइए, हम बोलते हैं 8%, 80% आपने बोला, हम कहते हो गलत, क्यों गलत है, ऐसे थोड़ा ना होता है, हमने तो आपको बोला था फर्स्ट ग्रुप में कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है आपका ये मार्क्स, सॉरी फर्स्ट ग्रुप नहीं सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप में आपको इसने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है। हम कहते देखो सेकेंड ग्रुप तो आपको 400 मार्क्स का था, ठीक है 80 मार्क्स लेके आए हो आप, ओ कितना परसेंट हो गए, 80 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100 20% ना,
20%। तो आप मुझे बताओ 20% इसका मतलब आपका जो टोटल मार्क्स है उसमें से 20% कितना है इसने कंट्रीब्यूट किया है। फिर बाद में कहते हैं कि अरे मैं टोटल को लेके क्या करूँगा, आपका मार्क्स ऑब्टेंड है, मैं टोटल ग्रुप से मुझे क्या करना है, आप ये बताओ ना आपने कितने मार्क्स से पास किया है। आप कहते हो मैंने तो एग्जैक्ट 200 मार्क्स से पास किया हूँ। मैं कहता हूँ देखो आपने जो पास किया है ना सिर्फ एंड सिर्फ एफएम की वजह से पास किया है। कैसे देखो आप 80 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100। आप मुझे बताओ आपके टोटल ग्रुप में तो 40% अकेला एफएम का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ 60% मार्क आपने किसी बाकी तीन पेपर में लेके आए हो। एनालिसिस बदल गया, एनालिसिस बदल गया। हम ये जानना चाहते कि हमने जो पास किया है उसमें हमारे परफॉर्मेंस के अंदर एफएम का कंट्रीब्यूशन कितना है। हम कहते हैं एफएम का कंट्रीब्यूशन आपका 40% है, बाकी तीन पेपर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 60% है। इसका मतलब हर एक कॉपी अगर मान लीजिए एवरेज मान लो बाकी हो सबका, तो आपका एक पेपर ने आपको पास कराने में सिर्फ 20% का कंट्रीब्यूशन है, जबकि आपके एफएम पेपर का 40% कंट्रीब्यूशन है। दूसरे पेपर से 2 गुना ज्यादा स्ट्रांग आपका ये पेपर है। क्या चल रहा है सब? कुछ नहीं है। एनालिसिस रेशियो, फिर से रिपीट कर दूं, रेशियो छोटे लेवल की बात है ही नहीं। कौन सी लेवल की बात है? बड़े लेवल की बात है। और बड़े लेवल सिर्फ एनालिसिस करता है। इसका मतलब रेशियो क्या है? एनालिसिस। तो हम लोग स्टार्ट ही करते हैं कहाँ से? एनालिसिस से। बड़े लेवल की बात करो ना, छोटे लेवल तो कर लेंगे बाद में, हम बड़े लेवल पे सीधा जंप करते हैं। ठीक है जी। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर 5वें फ्लोर पे एक ही बार जाएंगे तो गिरेंगे नहीं, थक जाएंगे ना? थकेंगे तो क्या दिक्कत है, आगे भी तो रहेंगे ना। रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स इज नोन एज रेशियो। चलिए अब और लिखते हैं कुछ हम लोग। समटाइम्स समटाइम्स सिंगल अकाउंटिंग फिगर समटाइम्स सिंगल अकाउंटिंग फिगर मे नॉट कम्युनिकेट समटाइम्स सिंगल अकाउंटिंग फिगर मे नॉट कम्युनिकेट मीनिंगफुल रिजल्ट बट व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड विथ अदर अकाउंटिंग फिगर देन प्रोवाइड मोर मीनिंगफुल रिजल्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये कुछ समझ नहीं आया होगा, एक अकाउंटिंग फिगर जो होते हैं ना मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं बताता। जैसे हमने बोला कि आपने एफएम में 80 मार्क्स ले सॉरी हाँ 80 मार्क्स लेके आए, उसका अहमियत उतना ज़्यादा पता नहीं चलता। लेकिन यही बोला जाए अरे आपने टोटल में तो 200 मार्क्स लाए हो और एफएम में कितना लाए हो आप? 80 मार्क्स। इसका मतलब पता चलता है कि उसका अहमियत कितना है। ठीक है जी। अहमियत कितना है तब पता चलता है कि जब हमें मार्क्स नजर आता है। ठीक है जी। तो अब मुझे बताइए, नहीं ये मार्क्स आप लोगों ने देखा था नहीं, इसलिए मैंने बोला कि एक बार देखते, थोड़ा सा मेरे को याद आ गया था ना मार्क्स की बातों पे। ये देखो कुछ नज़र आ रहा है। मान लीजिए कोई कहता सीधा ये फाइनल वाले का SFM 90 मार्क्स, सीधा क्या लगता? जी ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे कम से कम मेरे पास 15 से ज़्यादा है मार्कशीट है 80 ऊपर वाले का। ठीक है जी। एक बार सबको ना एक जगह अलग अलग समराइज करना पड़ेगा। ठीक है जी। वैसे तो कुछ को समराइज करके तो बुक में डाला हुआ है कुछ, है ना, आप लोगों के बुक में देखेंगे डलेगा नहीं डलेगा, क्योंकि होता है कभी कभी ये देख के ना जो हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, है ना जी। अब मुझे बताओ यहाँ पे सीधा 90 बोला जाए तो लगेगा कि हाँ चीनिया से बच्चे कुछ तो दम है, बहुत बढ़िया है ना, लिया हुआ है। बाकी में देखो 40 40। चलो ये दोनों तो थियरी पेपर है ना,
एटलीस्ट ये तो न्यूमेरिकल पेपर है ना, 48 मार्क्स। अब बताओ किसने पास कराया है? अब लगता है रे, ये क्या बना रहे हम लोग? कुछ नहीं, हम लोग रेशियो बना रहे कि भाई मार्क्स जो ऑब्टेन किया गया उसमें इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो 90 डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई ये जो कर रहे हो ना, दो अकाउंटिंग वैल्यू का जो रिलेशन, यही तो रेशियो है, कुछ है ही नहीं। डिवाइडेड बाई 218 मल्टीप्लाई बाई 100, ओ 41% का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ इसी से। बाकी का कंट्रीब्यूशन देख लीजिए कितना बनता है आपका, ठीक है जी। 20-20% का अराउंड वही आ गए जो हमने एग्जाम्पल लिया था, एग्जैक्टली वही आंसर बन गए, ठीक है जी। चलिए आइएगा इसमें, एक्सप्रेस यूज द अनदर अकाउंटिंग फिगर देन प्रोवाइड मोर मीनिंगफुल रिजल्ट। ये कहाँ से बीच में आ गया, ये मक्खी मार रहे? मक्खी मारने के लिए आए हो? यहाँ मक्खी कहाँ से आ गया? चलो आइए देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए ठीक है जी। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए ये है कंपनी ए, ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड, ठीक है जी। हाँ जी कुछ कह रहे नहीं? ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों का प्रॉफिट आपको बताते हैं, देन मुझे बताना कि कौन ज़्यादा अच्छा कौन बुरा, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे हम लोग आ जाए अगर, तो मान लीजिए नेट प्रॉफिट है इसका, नेट प्रॉफिट इसका है 100 करोड़। करोड़ में बात करते हैं, छोटे लेवल में क्या बात करना है हमें, है ना जी। हाँ बड़े लेवल की बात करो, ये देखिए 100 करोड़, और मान लीजिए ये कमाता है, ये कमाता है, ये कमाता है, कितना कमाता है मान लीजिए 80 करोड़। आप दोनों को देख के बताइए क्या लग रहा है कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? नहीं अभी बेच नहीं देंगे, अभी ऐसे बताओ, मान लीजिए आप रेशियो भी नहीं पढ़े हो, क्या कहते हो बताओ? हाँ जी आइएगा, इसका मतलब ये हो गए कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल था ना वो तो, हाँ ठीक है मेरा मोबाइल था। ये देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट वी कैन सी परफॉर्मेंस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट वी कैन से परफॉर्मेंस ऑफ बी लिमिटेड, नो ए लिमिटेड, परफॉर्मेंस ऑफ ए लिमिटेड इज बेटर देन बी लिमिटेड, लेकिन हमारा ओपिनियन अभी बदल सकता है। कैसे बदलेगा बताइएगा? हाँ जी ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट वी कैन से परफॉर्मेंस ऑफ ए लिमिटेड इज बेटर देन बी लिमिटेड, ठीक है जी। हाउएवर अब ओपिनियन, अब ओपिनियन में चेंज इफ वी यूज रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट, इफ वी यूज रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड विथ एनी अदर अकाउंटिंग फिगर। अब जैसे हाउएवर आवर ओपिनियन में चेंज इफ वी यूज रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट एक्सप्रेस टू एनी अदर अकाउंटिंग फिगर, किसी और के साथ अगर हम एक्सप्रेस करेंगे, अब कितना के साथ एक्सप्रेस करेंगे डिपेंड्स अपॉन दी गिवन इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए हम कहते हैं नेट प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे कितना, नेट प्रॉफिट सेल पे कितना, तो अलग अलग हो सकता है, तो हम आपको दो वैल्यू देते हैं, सेल भी देता हूँ इन्वेस्टमेंट भी देता हूँ, देखिएगा आपका ओपिनियन कैसे बदलेगा। अरे कुछ चीज़ों में ये अच्छा, कुछ चीज़ों में ये अच्छा, अब गहराई में जाओ कहाँ कौन अच्छा कहाँ कौन बुरा, वो एक सेकंड में क्या करेगा आपको रेशियो से समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये देखिए हाँ तो मैं ही लिखेंगे ना, आपको क्या लगता है हम क्या लिखेंगे? ये देखिए हम अगर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम यहीं पे लिखे
ये देखिए, सपोज एक ए लिमिटेड, एक बी लिमिटेड। आप कह रहे थे ना कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे लास्ट क्लास हम लोगों ने, कि कितने पैसे लगाए हैं, ठीक है जी। तो कितना पैसे लगाए उसके बेसिस पे देखते हैं इसका सेल जो है ना, सेल यानी कि रेवेन्यू भी कह सकते हो, रेवेन्यू। सेल ले लेते हैं कुछ, कितना सेल बताइए, 1000, 100 कमाया है इसने, 10% ले लेते हैं, तो 10% कितना हो जाएगा, 1000। हमने इसका ज़्यादा अच्छा बोला है ना, इसको हम ले लेते हैं 1000 करोड़, ठीक है। ये 80 वाले को कर देते 12.5%, तो 80 डिवाइडेड बाई 12.5%, ये 640 आ जाएगा ना। ये देखिए, सिर्फ 640 करोड़ का सेल करने के बाद इसने इतना सेल जनरेट कर दिया। लेकिन जब सेल करने की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करो, इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों हमारे लिए सेम होते हैं ना, कुछ ना बोला गया हो तो। इन्वेस्टमेंट क्या क्या चीज़ की बात करें, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे को हम लोग फिक्स एसेट, नॉन करेंट एसेट, वर्किंग कैपिटल बोलते थे। तो ये देखिए, ये जो हमारा आया है इसमें इन्वेस्टमेंट, अब मैं कहता हूँ कि इसने प्रॉफिट के नज़रिए से वो ज़्यादा अच्छा जनरेट कर रहा है, सेल के नज़रिए से मतलब प्रॉफिट ये ज़्यादा अच्छा सेल कर रहा है तो सेल भी ज़्यादा है। अब हम कहते हैं, थोड़ा ना गड़बड़ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अब तो भी अच्छा हो गया ना, 12.5% दे रहे, ओके। लेकिन अब मैं एक काम करता हूँ ना, इन्वेस्टमेंट इसका ज़्यादा कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट कम, फिर एक को ही ज़्यादा अच्छा कर देंगे बाद में जाके। हाँ तो एक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते इसको 2.5 गुना सेल जनरेट करता हूँ मान लीजिए इसने, और ये हमारा 1.5 गुना सेल जनरेट करता है, 2.5 गुना वो सेल जनरेट करता है। 2.5 गुना सेल जनरेट कैसे करेंगे, 2.5 गुना 640 डिवाइडेड बाई 2.5, ये हो जाता है 256 का आ जाएगा, 2.5 गुना 256। ये देखिए, 256 करोड़ का इसने क्या करा है, 256 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 640 आ गए, ठीक है। 2.5 गुना सेल जनरेट करता है, और ये सिर्फ 1.5 गुना सेल जनरेट करता है, ठीक है जी। सेल 2.5 गुना, सेल कम जनरेट किया है, इसको सेल ज़्यादा जनरेट करवा देते हैं, सेल कम जनरेट करा है, 2.5 गुना करा। अब लिखना पड़ेगा ना, इंटरप्रिटेशन लिखने पड़ेंगे ना मैं, ठीक है जी। इसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसीलिए क्या है, कंपैरेटिवली कम कर रखा है, परसेंटेज उसका ज़्यादा है दो, ज़्यादा फिर कुछ ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा कंपैरिजन करने के लिए। 2.5 गुना सेल जनरेट कर दिया इसने, चलो एक काम करते हैं, अल्टीमेटली इन्हीं को ज़्यादा अच्छा बना देते हैं, किनको, एक को ही अच्छा रहने देते, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा और ज़्यादा एनालिसिस करके बताना मुझे थोड़ा सा, कोई अब क्या समझ आ रहा है यहाँ से, देखिएगा। अब बहुत कुछ यहाँ से आप बता सकते हो, अगर आप यहाँ पे कमेंट करने को बोला जाए ना, तो आपका एक पेज भी कम पड़ सकता है, समझ में आ गया कुछ, बहुत सारे कुछ कमेंट कर सकते हो। हाँ जी बताना, इधर से क्या कमेंट कर सकते हो इस पे, आप एक एक करके मैं पूछूंगा, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, देन पूछेंगे, देन मैं भी आपको बताऊंगा, सोच लो आप। मैं आपको पूछता हूं कि बात बताओ, जैसे एक चीज देखो, सुन लो, पहले मैं कुछ कहता हूं उसको सुन लीजिए, देन मेरे से बात करना आप लोग, ठीक है जी। रुक जाओ, एक कोई ए है मान लीजिए, एक कोई ए है, इसने हमने देखा है कि ग्रुप टू में इसने 400 मार्क्स में से इसने लाया है 300 मार्क्स। ओ क्या बात है, 400 में से 300 मार्क्स, 300 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100, ओ 75% रैंक होल्डर होगा ये, लेकिन फर्स्ट ग्रुप फेल, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप फेल है इस 300 में से भी देखा जाए, ठीक है जी। तो इसने क्या करा है, 90 मार्क्स लाया है
अकाउंट्स में 90 मार्क्स लाया है, एफएम में कितने हो गए बताइए, 180। तो 300 माइनस 180 कितना चला गया, 120 डिवाइडेड बाई, मान लीजिए इसने लेके आ गए, ऑडिटिंग में ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है जी, अगर आप ज़्यादा ले आते हो तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है जी, 50 मार्क्स, और इधर कितने हो गए, ITSM में हो गए 70 मार्क्स, ऐसे देख लिया। एक दूसरा भी स्टूडेंट है, उसने भी 300 मार्क्स लाया हुआ है, लेकिन उसने हमने क्या देखा, इधर लाया है 60 अकाउंट्स में, थोड़ा ना पेपर में गड़बड़ हो गया, लास्ट पेपर है ना एफएम, तो पेपर वाइज याद रखना चाहिए, लास्ट में होता है एफएम, कोई बात नहीं, मान लीजिए न्यूमेरिकल पेपर को मैंने पहले रख लिया, अकाउंट्स भी 60, एफएम भी है, लेकिन इधर जाओ ऑडिटिंग में 90, ओ ITN EIS, EIS बोलते हो, EIS ITN EIS EIS एंड ओके EIS एंड SM, EIS का मतलब इंटरप्राइज, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन, ठीक है कोई बात नहीं, EIS एंड SM, ठीक है जी। अब मुझे बताओ उसने भी 90, आप मुझे बताओ दोनों बच्चे ने तो सेम मार्क्स लाए, दोनों में क्या डिफरेंस है, आप ध्यान नहीं दे पाए इतने देरों में। कुछ बच्चों का न्यूमेरिकल स्ट्रांग होता है, कुछ बच्चों का थियरी स्ट्रांग होता है, ठीक है जी। ये जो बच्चे ए उसका न्यूमेरिकल स्ट्रांग है, जो बी है उसका थियरी स्ट्रांग है, उसको न्यूमेरिकल पढ़ने में मजा ही नहीं आता है। अगर ये मिस्टर बी अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे थोड़ा सा काम कर दे, तो ये भीड़ में किसी को अपने सामने खड़े नहीं होने दे सकता। अगर ए अपने थियरी पेपर में थोड़ा सा काम कर ले, तो ये अपने भीड़ में किसी के सामने खड़े, मतलब किसी को अपने सामने खड़े नहीं हो दे सकता। इसका मतलब क्या हो गए, ये जब कंपोनेंट हमने इसको चेक करा तो हमें ज़्यादा समझ आया, कह सकते हैं, तो हमें क्या हुआ जी, ज़्यादा हमें समझ आया। अब मैं कहता हूँ उसी तरीके से, यहाँ थोड़ा ध्यान से अगर नज़र डालोगे तो हमने बहुत कुछ बताने की कोशिश की, अब आपके दिमाग में कितना गया मालूम नहीं, ध्यान से देखिए। पहले एक एक करके, दोनों पे मत ध्यान दो आप, सेल कहता है कि ये 10% प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, सेल कहता है कि 12.5% जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, क्लियर कट इंडिकेशन है कि इसका एक्सपेंडिचर कम है, इसका एक्सपेंडिचर सॉरी बी का एक्सपेंडिचर कंपेरेटिवली कम है और ए का एक्सपेंडिचर कंपेरेटिवली ज्यादा है, लेकिन इसने सेल भी तो ज्यादा जनरेट करा है। देखो आप, 200 रुपये लगा के 1000 का सेल जनरेट किया, इसने तो सिर्फ 256 लगा के सिक्स, मतलब 256 लगाया, ज्यादा लगाया और कम सेल जनरेट किया, दोनों सेम इंडस्ट्री से हैं, कुछ तो बात है। अब हर चीज बी का अच्छा ही मत बताओ फिर, अब आप कुछ चीजों में बी अच्छा है, कुछ चीजों में ए अच्छा है, अब बी क्या चीज में अच्छा होगा, ये कहता है कोई बात नहीं, सेल कम हो तो हो, हम ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, हम मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, खर्चा क्यों बढ़ाएंगे, अब मार्केटिंग नहीं करोगे खर्चा नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, सेल कम करो, तो कहते कोई बात नहीं, हमने तो सेल कम करके देखो 12.5% प्रॉफिट जनरेट कर दिया। ए लिमिटेड क्या बोलता है, तो ज़्यादा खर्चा कम करके भी क्या कर लिया, बचाया कितना, 80, हमने तो 200 लगा के 100 बचा लिए, तो 256 लगा के सिर्फ 80 बचाया, तो सही मायने में देखा जाए तो सेल को क्यों देख रहे हो कि किसने कितना ज़्यादा जनरेट किया है, ये तो देखो ना कि जेब में कितना लाए हैं। मान लीजिए ये कहता है हम तो एडवर्टीजमेंट खूब करते हैं, हम तो पकड़ पकड़ के लाते हैं, हम कहते हैं सलमान खान को कि आ जाओ हमारे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, ठीक है जी, हम प्रियंका चोपड़ा को उठा के ले आते हैं, कहते बताओ हमारे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, कभी हम बाबा रामदेव को भी उठा के ले आते हैं, नहीं वो तो नहीं आएगा, वो तो अपना प्रोडक्ट बताएगा, ठीक है जी, हाँ जी, हम उनको बता देते हैं, कभी हम अमिताभ बच्चन जी को ले आते हैं, हम कहते हैं देखो फेयर एंड नहीं वो बोरो प्लस है ना, है ना जी, बोरो प्लस लगाने से क्या हो जाता है, इंसान हंस क्यों रहे हो, बताओ हंस क्यों रहे हो, आप बताओ, अगर फेयर लवली वो कहाँ बताता है, ठीक है जी, क्या केस किसको, अच्छा क्या बात है, चलो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है जी, फिर सही वापस, तो हम इसका मतलब ये हो गए कि बोरो प्लस का अब अमिताभ बच्चन को हम बुला के ले आएंगे, हमारे प्रोडक्ट को अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे तो हमारा सेल बढ़ेगा, ठीक है, लोगों को भरोसा होगा, अरे अमिताभ बच्चन जी आके बोलते बात तो कुछ होंगे, ऐसे कैसे कर लेंगे, ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ सेल बढ़ गया, लेकिन अमिताभ बच्चन जी को क्या पैसे नहीं देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे,
तो कहते खर्चा भी तो ज्यादा होगा। तो देखो हमने 1,000 का सेल जनरेट किया लेकिन 100 का ही सिर्फ 10% ही प्रॉफिट जनरेट हुआ, क्योंकि मेरा 90% खर्चा में चला गया। ये कहता है मेरा तो सिर्फ 80 100 में से 12.5 है ना। एक काम करो, मैंने तो बिना रेशियो निकाले ही पहले बोलते जा रहा हूं, इसका रेशियो निकालना। 640 सेल करके प्रॉफिट कमाया 80 का, कितना है बताओ? 12.5। इसका मतलब ये हो गए कि 12.5 कर रहे हो, तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसका एक्सपेंसेस कम है ना, कंपैरेटिवली सेल एक्सपेंसेस कम है। तो हम कहते तू एक्सपेंसेस नहीं करना चाहता, तू एडवर्टीजमेंट खर्चा नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हारे प्रोडक्ट को कोई जानता नहीं है, इसलिए तुम्हारा प्रोडक्ट कोई खरीदता नहीं है, तुम्हारा सेल कम है, इसीलिए तुम्हारा जो है प्रॉफिट कम है। अब भी कहता है तू सेल ही जनरेट कर लिया ज़्यादा, तो क्या कर लिया? ठीक है जी। तो कहते कैसे कर लिया, हमने प्रॉफिट तो ज़्यादा जनरेट किया। तो सही मायने में ओवरऑल अगर पोजिशन देखोगे तो किसी चीज़ के लिए ए अच्छा, किसी चीज़ के लिए बी अच्छा, लेकिन ओवरऑल ए अच्छा है ना, ओवरऑल ए अच्छा। तो अभी हम आइए इसको हम लिखते हैं। तो ये सारा चीज कहां से आया बताओ? रेशियो से। आप मुझे बताओ, आपने कुछ भी नहीं देखा, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरफ है, हम एक एक करके देख भी नहीं सकते, हमने बस ओवरऑल ऊपर से देखा भाई तूने लगाया कितना कमाया कितना, लगाया कितना कमाया कितना। अब हम सोचते हैं, हम बी लिमिटेड को कहते हैं देख भाई कॉस्ट इफेक्टिव तो तू ज्यादा अच्छा है। क्यों ज्यादा अच्छा है? कि सेल के कंपैरिजन में तू ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लेता है। अगर तू थोड़ा सा मेहनत कर ले सेल जनरेट करने पे तो कितना बढ़िया हो जाता, क्योंकि सेल कॉस्ट को इफेक्टिव तो कुछ लोग होते हैं ना, देखते हो कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत कंजूस है। कंजूस क्यों बोल रहे हो उसको? क्योंकि पैसे बचाता है। आप बताओ पैसे बचाना कहाँ की बुराई है? अगर मान लीजिए कोई पैसे बचाता है तो बुराई क्या है इसमें? कह रहे अच्छाई भी नहीं है, तो खर्चा करके भी क्या अच्छा है बताओ? जगह पे बचाना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये हो गया ना, ज्यादा पैसे खर्चा करना चाहिए ना मुझे ज्यादा बचाना चाहिए। अल्टीमेटली कमाते क्यों है? यूज करने के लिए। भाई यूज ही नहीं करूंगा तो पैसे कमाया क्यों? इसका मतलब ये भी नहीं है कि बांटते रहो फेंकते रहो, जब जरूरत पड़े तब हमारे पास है ही नहीं। वॉरेन बफेट का नाम सुना है? क्यों नहीं है? स्टॉक मार्केट का महारथी, पिछले दिन बताया था। ओके, राकेश झुंझुनवाला सीए। अब चलो इंडिया के बड़े आदमी को छोड़ दो, आप उधर जाइए, वॉरेन बफेट को ले लो और एक मुकेश अंबानी को ले लो, वो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट का महारथी है। वो अभी भी पुराने घर में रहते हैं, बचपन में किसको एक फादर ने खरीद के जो बना के दिया था वही घर में रहते। कौन? वॉरेन बफेट, ठीक है जी। और इसका आलीशान बंगलो है, ठीक है जी। और वहीं पे क्या होता है बताओ? अपने वो क्या कहते हैं, ठीक है कह सकते हो आप, ऐसे समझो ना, प्राइवेट हेलीपैड जो भी बोलो, वो खुद ही अपने घर में लैंड करवाता है। इसका मतलब क्या हो गया, कितना डिफरेंस है दोनों में। वो पैसे यूज करते हैं, वो कहते हैं पैसे जो हम इतना खर्चा करेंगे उसको कहीं लगा देंगे। और इतना ही नहीं, सोच भी देखो आप, वॉरेन बफेट कहते हैं हमारा कमाया हुआ पैसे हमारे बेटे को नहीं जाएंगे। अब आप सोचो ना, वो खुद यूज कर रहा है ना अपने फैमिली वाले को यूज करने देना है, और वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर ही नहीं, रिचेस्ट पर्सन भी आते, एक टाइम बिल गेट भी उनसे नेटवर्थ में पीछे थे। अब मुझे बताओ, जबकि एक टाइम उसने 700 समथिंग 50 मिलियन के आसपास तो उसने डोनेशन दे रखा है बिल गेट को किसी टाइम पे। अब आप सोचो, बिल गेट सुना है ना कभी? कौन? माइक्रोसॉफ्ट की महारथी, ऐसे समझ जाओ आप, ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जिसमें आप सारे लैपटॉप आज चलते ही उन्हीं माइक्रोसॉफ्ट की वजह से हैं, उनको उसने डोनेशन दे रखा है, उन्होंने इतने पैसे कमा रखा है, कहते पैसे यूज करो बचाओ, कंजूस है वो। अब वो कंजूसी क्यों कर रहा है? उसको तो खुद यूज ना, तो खुद यूज कर रहा है ना, तो कह रहे कि हम अपने बच्चे को देंगे हम यूज करने के लिए। अब मुझे बताओ पैसे करेगा फिर क्या? वो कहते हम सारे के सारे बांट देंगे चैरिटी में, हम लोगों को डोनेशन में दे देंगे। तो आप सोचो, अलग अलग सोच के इंसान है। तो अब हम कह सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कंजूस से पैसे बचाते, भाई पैसे बचाना कहाँ की बुराई है? कुछ लोग कहते हैं बहुत खर्चे करते हैं, हम कहते हैं भाई कमाया तो क्यों नहीं खर्चा करेंगे, अपना अपना ओपिनियन है। तो आप देखो किसी एक चीज को लेकर रिजिट नहीं बनना है, आपको रिजिट नहीं बनना है, सब अपने अपनी जगह पे क्या है सही है, लेकिन जो लगता है जहां बुराई है अगर उसको हम लोग सुधार ले तो कितना अच्छा होता। तो रेशियो आपको जीने का तरीका बताता है, ठीक है जी। चलो जीने का नहीं, कंपनी को
इफेक्टिवली रन करने का एक आपको रास्ता दिखाता है। पड़ोसी के पास जाइए, पड़ोसी को देखो, पड़ोसी क्या चीज में अच्छा है, उनकी अच्छाई को अपने में रख लो, और जो आपका अपना अच्छाई है ना वो और अच्छा रखो। आप मान लीजिए बी लिमिटेड के लिए कहते हो कि परसेंटेज एक्सपेंस आपका कम है क्योंकि कंपेरेटिवली सेल ज्यादा जनरेट कर रहे हो, तो कहते वो अच्छाई अभी भी बरकरार रखो। कौन सी वाले? जो आप परसेंटेज कंपेरेटिवली 2.5% कम एक्सपेंडिचर है आप में, कंपेरेटिवली 2.5% ज्यादा एक्सपेंडिचर है ये लिमिटेड का। कैसे? 10% ये प्रॉफिट जनरेट करता है, ये 12.5 करता है, इसका मतलब 2.5% एक्सपेंडिचर क्या है इसके लिए कम है। तो हम कहते हैं 2.5% एक्सपेंडिचर जो कम है वो कम बरकरार रखो। आप थोड़ा सा क्या करो, सेल बढ़ाने की कोशिश करो। कुछ लोग बोलेंगे सेल कैसे बढ़ेंगे, खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई तो सेल बढ़ेंगे तो उसी प्रोपोर्शन में खर्चा बढ़ाओ ना। आप एडवर्टीजमेंट करो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, मान लीजिए आपको लगता है कि आप 12.5% का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, आपके एडवर्टीजमेंट करने की वजह से आपको लगता है कि इसमें मैं 100 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा दूंगा, तो 100 करोड़ के प्रॉफिट बढ़ाने के लिए अगर आपको 100 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मान लीजिए उसी रेशियो में एक्सपेंस आता है, किस रेशियो में जो पहले आता था आपका, किस रेशियो में आता है एक्सपेंस बताइए? 82 2.5%, 12.5 है ना, तो 100 माइनस 12.5% कितना रहा? 87.5। अगर 100 के लिए 87.5 का अगर आपको 87.5 का खर्चा आ भी गया तो क्या जाता है बताओ? मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी को बुला लिए, बोलो प्लस क्या कुछ और भी बोल दो, ठीक है जी ये लगाओ, ठीक है जी। तो अब अगर मान लीजिए अगर ऐसा बोलने को तैयार है और उसकी वजह से मेरा 100 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और मेरा खर्चा अगर 87.5 भी हो जाए, तो हम उनसे तो अच्छी पोजिशन में रहेंगे। किन से? ए से अच्छे रहेंगे। हो सकता है अगर आपने उनके जितना अगर सेल जनरेट कर दिए तो उनसे तो कई गुना ज्यादा हो जाओगे आप। वो 100 जनरेट कर रहे, आप 120 जनरेट कर लोगे, 120 नहीं 125 जनरेट कर लोगे 12.5%। तो परसेंट का खासियत क्या है, वो अमाउंट इग्नोर कर देता है, सीधा रेशियो की बात करते हैं। यहां देखो हमने 1,650 को 40 को नहीं ध्यान दे रहे, हम किसको ध्यान दे रहे? परसेंटेज, कि आप 10% जनरेट कर रहे हो 100 में 10, यहां कह रहे कि 100 में जनरेट करे 12.5, तो कंपेरेटिवली क्या है हमारे लिए ज्यादा है, ठीक है। ये मैंने अभी जितना भी बहस किया है वो सिर्फ एंड सिर्फ एक चीज का बहस है, क्या? रेशियो का अहमियत, ठीक है जी। क्योंकि जब तक अहमियत नहीं पढ़ोगे तब तक ये 50 रेशियो कहाँ से याद हो जाएगा, और ये जितने भी चीज़ बोल रहे हैं सारे 50 के अंदर इंक्लूड है। 50 रेशियो पढ़ेंगे हम लोग, 50, ठीक है जी, ये सारे रेशियो इसमें इंक्लूड है। और टेंशन मत लो, 50 का 50 आपको सीक्वेंस में याद होगा। क्या बोला आपने? सीक्वेंस में, हाँ होगा, लिखवाते भी हूँ मैं आपको, आपको लिखवाऊंगा भी। तो 50 का 50 आप सीक्वेंस में लिखोगे, इसका मतलब क्या रहा? हम 1 2 3 4 जैसे क्लास में लिखे रहेंगे उसी सीक्वेंस में आप याद करोगे। अब बोलो क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा इतना थोड़ा ना हो पाएगा? हो जाएगा ना, क्योंकि हम उस 50 को तोड़ तोड़ के एक 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 पार्ट में क्या करते रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। पहले चलेंगे बैलेंस शीट के फाइनेंस वाले पोर्शन पे, फिर एक बार में चलेंगे करेंट असेट्स करेंट लाइबिलिटी पे। तो बैलेंस शीट तो आपको दिमाग में आ चुका है ना, क्योंकि हमने 3 दिन बिता रखे हैं किस पे, एक बैलेंस शीट पे 3 दिन बिताया है हमने, और वो भी 4 फिगर के साथ, इक्विटी प्रेफरेंस डेट और उधर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टोटल नॉन करेंट असेट्स वर्किंग कैपिटल। अब 4 वैल्यू पे हमने 3 दिन बिताया हुआ है तो दिमाग में सेट होंगे ना, तो हमारे दिमाग में तो सेट हो चुका है, एक वर्किंग कैपिटल है, एक नॉन करेंट असेट्स है, एक फाइनेंशियल पोर्शन है लॉन्ग टर्म वाले। अब मान लीजिए हम 1 दिन और बिताएंगे फाइनेंस वाले पोर्शन पे, इक्विटी प्रेफरेंस और डेट में, तो उसमें जितने रिलेशन होंगे सारे सीक्वेंस में याद हो ही जाएंगे ना, क्यों नहीं होंगे, सब याद होंगे, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इस पे 2-4 लाइन का इंटरप्रिटेशन लिखता है जितना मैंने बोला है अभी, ठीक है जी। आइएगा अब हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस विथ रेशियो, बड़ी मुस्कुरा रहे हो जी, क्या बात है, कुछ मिल तो नहीं गए? इंसान 2 ही बार मुस्कुराते हैं, कुछ चाहत से ज्यादा मिल जाए या चाह ही नहीं फिर भी मिल गया। दर्द छुपाने के लिए आज के डेट पे कोई नहीं हंसता है, ठीक है जी। जी ये देखो, अब आ जाइए यहाँ पे, हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो हम लोग देखे अगर, क्या बात है क्या बात है, इधर आके कभी सुना भी देना। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है पता है? नेट प्रॉफिट टू सेल रेशियो, सेल के रेस्पेक्ट में कितना है नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है जी। नेट प्रॉफिट रेशियो
इन रिलेशन टू, अभी तो नहीं पढ़ा है ना आपने कोई रेशियो, तो हम इसीलिए पूरा लिख देते हैं, इन रिलेशन टू सेल। सेल के कंपैरिजन में क्या होता है, देखिए हम कह सकते हैं कि 100 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 कितने परसेंट आ गए, 10%। ये देखिए यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि आप 80 का सेल जनरेट कर रहे हो, कितने में, 640 मल्टीप्लाई बाई 100। हाँ जी बताएंगे कितना आ गए, कितना आ रहे, 12.5%, 12.5%। चलिए तो मुझे बताइए एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस का रेशियो अगर मैं यहां देखूं, टोटल एक्सपेंस रेशियो, टोटल एक्सपेंस का रेशियो देखा जाए तो ऐसे कर देते ना, 100% माइनस 10%। 100% तो टोटल होता है आपका सेल, उसमें से 90% का आपका खर्चा है तो 10% आपका फायदा है, तो हम कह देते हैं 100% माइनस 10%, इसका मतलब 90% का टोटल एक्सपेंस है आपका। और यहाँ देखिए 100% माइनस 12.5% कितना हो जाता है, ये 87.5%। अब कमेंट करिए क्या कहना चाहते हो, पहले इस दोनों पे कमेंट करते हैं देन सेल को लाएंगे, नहीं तो सारे खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी बनाने आता है ना, कैसे बनता है, पानी डाल दो और, अरे सब चीज डाल दो एक साथ बोलो ना, सब चीज डाल दो खिचड़ी बन गया। हाँ जी तो अब देखिए नाउ वी कैन से प्रॉफिट जनरेटिंग, नहीं प्रॉफिट जनरेटिंग, प्रॉफिट तो ज्यादा उसने जनरेट करा था ना, एक मिनट रुको अभी कटिंग मत करना, ठीक है जी। बी लिमिटेड पोजीशन, बी लिमिटेड पोजीशन इज बेटर देन ए लिमिटेड, किन चीजों को देखा जाए तो, नाउ वी कैन से बी लिमिटेड पोजीशन इज बेटर देन ए लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ, किस चीज के रेस्पेक्ट में बताइए, नहीं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट कह सकते हो या परसेंटेज एक्सपेंस कह सकते हो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज, गड़बड़ हो गया क्या, बेटर टेन हो गया है, TSAN बेटर देन, बीच में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है नाउ वी कैन से बी लिमिटेड पोजिशन इज बेटर देन ए लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज एक्सपेंडिचर, परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए दूसरे वाले सिचुएशन देखते हैं, किसके कंपैरिजन में, रेशियो इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट। अब हम इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट में कुछ सोचते हैं, ए लिमिटेड की बात करें, यहां पे बी लिमिटेड की बात करते हैं, देखते हैं उसने कितना लगाया है, उसने कितना लगाया, उसने जो इन्वेस्टमेंट है इसको कहते हैं, एक रेशियो का नाम दो जो हम आगे पढ़ेंगे, इसको कहते हैं सेल्स, सॉरी एसेस टर्नओवर रेशियो, जो भी हम बात कर रहे हैं एसेस टर्नओवर रेशियो, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट था लॉन्ग टर्म वाले वही हमारा एसेट्स था, इसको हम लोग कह सकते हैं,
ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको एसेट्स बोलो, कैपिटल बोलो, जो भी बोलोगे वो सारा हमारा चल जाएगा। तो इसको हम लोग एसेट्स टर्नओवर रेशियो, या अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर ये इन्वेस्टमेंट जो किया अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हो, या इसको मैं अभी फिलहाल क्या नाम दे देता हूँ, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपका वही होगा, हमने जिस तरीके से लिखा है उस हिसाब से एसेट्स भी हमारा फिलहाल यही होगा। तो क्या मैं एसेट्स टर्नओवर रेशियो कह सकता हूँ? बोलो क्या होता है टर्नओवर रेशियो? वो ये कहता है कि आपके एसेट्स ने कितना सेल जनरेट करके दिया है। ठीक है, ये देखिए एसेट्स टर्नओवर रेशियो, दैट इज हम लोग इसको कहते हैं, क्या है इसका मतलब समझाइएगा मुझे, कितना टाइम से सेल जनरेट करते हैं कौन? एसेट्स। नंबर ऑफ टाइम्स सेल्स जनरेटेड बाय, सेल्स जनरेटेड बाय एसेट्स, क्योंकि जो पैसे लगाए वो सेल जनरेट कर रहा है ना। मान लीजिए किसी ने 100 लगा के 1000 का सेल जनरेट करता है, और कोई 100 लगा के सिर्फ 500 का सेल जनरेट करता है, तो भाई इसका मतलब तो 1000 लगाने वाले तो ज़्यादा सेल जनरेट कर पा रहा है ना। लेकिन मैं कहता हूँ ज़्यादा सेल जनरेट करके करोगे क्या अगर आपने सही में कमा नहीं पाया तो? सोच के देखो। तो हम कह रहे हैं यहाँ देखिएगा कि एसेट्स टर्नओवर रेशियो, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स सेल्स जनरेटेड बाय एसेट्स। अब ये देखिए क्या हम इसको कह सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया सेल डिवाइडेड बाय एसेट्स, कितना लगाया है आपने। अब देखो हमने कितना सेल जनरेट किया था, 1000 डिवाइडेड बाय 200, 200 लगा के आपने 100 का सेल जनरेट किया, कितना टाइम्स हो गया बताइए? 5 टाइम्स का सेल जनरेट किया। कुछ लोग बोलेंगे इसमें परसेंटेज क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो जाता है, बड़े वैल्यू में परसेंटेज हम यूज नहीं करते। समझ में आया कुछ? जब 100% से ऊपर जाए तो नॉर्मली हम परसेंटेज यूज नहीं करते, और जब 100 से नीचे होते तो नॉर्मली हम लोग परसेंटेज लगा देते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका 200 से जो होता है वो 100 चला गया, 1000 चला गया, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज देखोगे तो परसेंटेज के टर्म में जाएगा 500%, तो 500% बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग क्या करते हैं टाइम्स में बोलने लग जाते हैं। इधर बताएंगे, इधर कितना हमने करा था बताइए? 640 डिवाइडेड बाई 256, बताइए कितना चल रहा है? 2.5 टाइम्स। इसका मतलब सेल ज्यादा जनरेट कर पा रहे कौन? अब आप कभी एक और प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या बताइए? ओवरऑल प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब वही प्रॉफिट देखो आप, वही नेट प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में निकाला था आपने? इन रिलेशन टू सेल। अब वही प्रॉफिट हम निकालते किसके रेस्पेक्ट में? इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये रेशियो का कोई फिक्स रूल नहीं है, पहले ही बोल रखा हूं ना, ये किसी लॉ में लिखा हुआ है जो फिक्स रूल होंगे। जैसे हम इनकम टैक्स एक्ट में चले जाते हैं, क्या होता है बताइए? वहाँ जो बोलते वही मानना पड़ता है। ठीक है जी, वहाँ जो बोलते वही मानना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। रूल नहीं, इसका मतलब आपको अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, अपने हिसाब से इसको बदलते रहो। ठीक है जी, इसीलिए रेशियो देखा जाएगा तो अनलिमिटेड रेशियो है। कुछ लोग बोले सर बातों को बदल दिया आपने, अभी बोला था 50 रेशियो है, आप कह रहे हो अनलिमिटेड रेशियो है। अनलिमिटेड रेशियो के अंदर कुछ रेशियो का नामकरण किया गया है, कुछ रेशियो का नामकरण नहीं किया गया है। नहीं समझे? मैं कहता हूं सेल टू एसेट्स क्या मतलब है बताइए? तो क्या ये कोई रेशियो है या नहीं है? है क्या कोई स्पेसिफिक नामकरण किया गया है क्या? नहीं, नहीं किया गया है। नहीं, अभी वाले में तो किया गया है, इसका नामकरण है एसेट टर्नओवर रेशियो। तो देखो या तो सेल टू एसेट्स बोल दे या एसेट टर्नओवर रेशियो, तो दोनों का मतलब क्या हो गया? सेम। लेकिन मान लीजिए इसका नामकरण नहीं किया गया होता एसेट टर्नओवर रेशियो, तो क्या याद रखने में कोई प्रॉब्लम था? फिर तो याद रखना ही नहीं ना। इसका मतलब एक रेशियो जो है जिसका नामकरण नहीं किया गया है वो रेशियो है एबीसी टू एक्सवाईजेड रेशियो। क्या मतलब है बताइए? गलत। एबीसी वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सवाईजेड वैल्यू। अभी कह रहे थे सेल टू एसेट्स, सेल का मतलब एबीसी, एसेट्स का मतलब एक्सवाईजेड। अब कभी बोला जाता है एसेट्स टू डेटर रेशियो बताओ या डेटर टू एसेट्स रेशियो बताओ, तो डेटर
डिवाइडेड बाई एसेट। इसका मतलब आप अपने मतलब को समझो, आप अपने जरूरत को समझो, जरूरत के हिसाब से रेशियो बनाओ। लेकिन जो रेशियो बनाना है कोई जरूरी नहीं उसका नामकरण किया गया हो। तो लोगों ने क्या करा है, कुछ रेशियो का नामकरण कर दिया है और कुछ का नामकरण नहीं किया है। जो नामकरण नहीं किया है कहते उसको हम क्या बोलेंगे, आप अपना जानते रहो, आप तो अपने हिसाब से डिसाइड करोगे। तो अनलिमिटेड जो देखना है देखो आप। जैसे हमने अभी बताया था कि आपका जो मार्क्स है वो सेकंड ग्रुप में कितना, वो कहीं पे डिफाइंड नहीं है। तो हमने बोला कि देखो वहां नाम बताया जाएगा कि मार्क्स इन कंपैरिजन टू सेकंड ग्रुप, मार्क्स इन कंपैरिजन टू सेकंड ग्रुप। तो हो गया, सबको पता चल गया। क्या इसको याद करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है? तो याद किसको करना है आप मुझे बताओ। मैं कहता हूं सेल टू एसेस रेशियो याद करने की जरूरत नहीं था आपको, नहीं है। जैसे हम कभी बोलेंगे कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, बताइए क्या होता है कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो। तो आपने क्या बोला, कंट्रीब्यूशन टू सेल। क्या मुझे इसको लिखवाने की जरूरत भी है? नहीं। हम क्या लिखेंगे पता है, ए बी सी टू एक्स वाई जेड रेशियो, खत्म हो गए। लेकिन जिसका नामकरण किया गया है वो देखो, इसको नामकरण किया है, ये रेशियो का नामकरण है, तो हम इसको पढ़ेंगे। क्या नामकरण है पता है, पीवी रेशियो। अरे हाँ याद आ गए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब मुझे बताइए नामकरण किया था, देखो आप भूल गए या नहीं भूल गए, पीवी रेशियो का मतलब याद नहीं था, अब बोला हाँ अब याद आ गए। इसका मतलब क्या है, पीवी रेशियो नाम ऐसा था ना कि नाम के अंदर कुछ छुपा हुआ नहीं था। समझ में आ गए? मान लीजिए कोई गोल मटोल इंसान है, उसका नाम बोलने की जरूरत नहीं है, गोलू इधर आ जा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि नामकरण करने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए बट अगर किसी का नामकरण किया गया है तो आप कैसे बुलाओगे उसको, नाम से बुलाओगे तो समझ ही नहीं आया क्या कहना चाह रहे, ठीक है जी। तो हम सिंपली ये कह रहे कि रेशियो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है रेशियो का, लेकिन जिसका नामकरण करा हुआ है वो कितना है, अप्रॉक्सीमेट 48 to 50। अगर नामकरण ना किया हुआ रेशियो देखोगे तो अनलिमिटेड है, जिसको याद करने की जरूरत आपको नहीं है। आप अपने जरूरत के हिसाब से रेशियो बनाइए, इंटरप्रेट कीजिए, जरूरत के हिसाब से रेशियो बनाइए, इंटरप्रेट कीजिए। जैसे मैंने बोला सैलरी ऑफ दिस ईयर ईयर टू सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर। अब मुझे बताइए दिस ईयर का सैलरी डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का सैलरी, इसका नामकरण करने की क्या जरूरत है? आप अपने मतलब के लिए यूज करिए आप अपना, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये देखो सेल टू एसेट जो हमने करा है वो कौन सी वाले रेशियो था हमारे लिए, ये नामकरण किया हुआ, ये हम याद करेंगे आगे। कैसे याद करेंगे देख लेंगे। अब मैंने यहां पे कर दिया, अब मैं कहता हूं प्रॉफिट टू इन्वेस्टमेंट भी तो ले सकता हूं, वो हमारे मतलब के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम तो ओवरऑल पोजिशन दिखाएंगे कि लगाया कैस कितना, लाया कितना। हमें सेल से क्या करना है, सेल ना तो हमारे जेब में रहना है, सेल हमने जनरेट क्यों करा था, कमाने के लिए। अब मैं कहता हूं सेल जनरेट ही नहीं करता क्योंकि खर्चा ना हो जाए, तो भाई खर्चा नहीं करा, सेल जनरेट नहीं किया, तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या आया आपका, नहीं बढ़ाया ना आपने, नहीं बढ़ाया ना, तो बस हो गए। जैसे चलो अभी जैसे क्या बोल रहे हैं, ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, ज्यादा एनालिसिस की भी जरूरत नहीं, इतना काफी है, ठीक है। लिखो अब हम लोग यहां पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, सीधा नेट प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ओवरऑल। चलो एक काम करेंगे उसको ओवरऑल क्या देख लेंगे हम लोग, लास्ट में लिख देंगे ओवरऑल पोजिशन, सीधा लगाया कितना लाया कितना डिसाइड करो, बीच में से सेल को क्या करो खत्म करो, ठीक है जी। अब आइए इसके बेसिस पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग दिस रेशियो वी कैन से, बाय यूजिंग दिस रेशियो वी कैन से सेल जनरेटिंग एबिलिटी किसका, सेल जनरेटिंग एबिलिटी ऑफ ए इज फार बेटर देन किससे, बी लिमिटेड। ध्यान से देखिए, सेल जनरेट करने का जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा, दो गुना सीधा। देखो ना ये कितना कंजर्वेटिव सोच का होगा, खर्चा नहीं करना है, कम कमा के चलेगा। भाई खर्चा नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ जम के खर्चा करता है, जियो वाले 2.5 लाख करोड़ एक ही बार में लगा दिए, जो होगा देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि खर्चे करेंगे, इन्वेस्टमेंट तो हम तो रेवेन्यू तो जनरेट
कर ही लेंगे, ठीक है जी। तो कर लिया, तो वही सारा चीज है। तो हम लोग क्या कहते हैं इसमें, बढ़े आगे जी, बाय यूजिंग दिस रेशियो वी कैन से सेल जनरेटिंग एबिलिटी ऑफ ए इज फार बेटर देन बी लिमिटेड। अब ओवरऑल पोजिशन क्या होगा बताइए। अगर मान लीजिए बी लिमिटेड अगर इतना सेल जनरेट कर दे 5 गुना, देन क्या होता है बताइए। इफ बी लिमिटेड कैन जनरेट 5 टाइम्स सेल, देन बी लिमिटेड अगर ये सोचता है कि भाई पड़ोसी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। जैसे बहुत बार होते हैं ना, आप सोचते हो कि जब पड़ोसी 90 मार्क्स ला सकता है एफएम में तो हम क्यों नहीं ला सकते। आपको भी लगता है कि नहीं ला सकते हैं, लेकिन ऑडिटिंग में कोई नहीं लाता इंडिया में, तो आपका भी दिमाग कभी नहीं जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपैरिजन चल रहा है, अगेन रेशियो चल रहा है वहां पे। क्या चल रहा है, पूरे इंडिया में कोई 90 ला ही नहीं पाता है, किसी की दम ही नहीं है। भाई हम कहाँ से ले आएंगे, क्यों, क्योंकि इंस्टीट्यूट देना ही नहीं चाहता है, सबसे पहली बात। लेकिन यहां जब 90 लाता है, 92 लाता है, 95 लाता है, दूसरा ला सकता है, हम क्यों नहीं ला सकते, तो हमारे भी लगता है कि हम भी ला सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। अब मैं कहता हूं बी लिमिटेड क्या सोचता है, जब ए लिमिटेड 5 गुना सेल जनरेट कर सकता है, इसका मतलब सेल जनरेट किया जा सकता है। हम देखते हो क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाता है। हम देखते हो अमिताभ बच्चन जी को बुलाते हैं, हम शाहरुख खान को बुला लेते हैं, ठीक है जी। वो किसी और चीज को यूज करते हैं, हम भी वैसे टेक्निक यूज कर लेते हैं, हम भी सेल जनरेट कर पाएंगे। वो थोड़ा ज्यादा खर्चीला इंसान है, हम थोड़ा खर्चे बचा के कर देंगे, तो हम उनसे ज्यादा अच्छा पोजिशन में पहुंच जाएंगे। जैसे देखो आप, इफ बी लिमिटेड कैन जनरेट 5 टाइम सेल, देन क्या होगा बता सकते हो मुझे, देन सेल कितना होगा, सेल कितना होगा बताओ, देन सेल निकालो। कहते कितने पैसे लगाए हैं, 256 मल्टीप्लाई बाई, बोलो बोलो बोलो, 5 टाइम्स ना, 5 टाइम्स का अगर सेल जनरेट करोगे तो सेल हो जाएगा आपका, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये हो जाता है 256 मल्टीप्लाई बाई 5, कितना आ रहा है, 1280, ओके 1280 हो गए। अब मुझे बताइए, अब इसको तो पता है एक्सपेंस कितना करेगा, एक्सपेंस कितना होने वाला है बताइए, रेशियो तो है ना आपके पास, एक्सपेंस हो जाएगा इसका टोटल। आपने बोला है अभी कि 87%, तो ये कहता है देखो मैं तो उसी रेशियो में काम कर लूंगा, मैं ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन मैं तो उसी रेशियो में बढ़ाऊंगा 87.5%। तो अब मुझे बताइए कितना हो जाता है हमारा, ये देखिए ये हो जाता है, सॉरी एक मिनट, 1280, हम कहते हैं 1280 मल्टीप्लाई बाई 87.5, कितना हो गया ये हमारा 1120, एक्सपेंस इतना हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, ये देखो 1280 माइनस 1120, और सीधा परसेंटेज निकाल देते तो भी हो जाता है ना जी, कितना रहे 160। ओ देखो ये अपने हुनर को दबा के रखा हुआ है, कौन बी लिमिटेड का हुनर कब जागेगा पता है, जो पड़ोसी को देखेगा। समझ में आ गया आपको, आप में भी वो हुनर है, ढूंढो कहाँ पे है जो नहीं देख पा रहे हो अपने आप के अंदर, अंदर कह रहे अंदर है, नहीं देख पा रहे, तो कैसे देखोगे, आपके अंदर कुछ छुपा हुआ है, कैसे देख पाओगे, रेशियो यूज करो ना। वो लोग रेशियो कैसे यूज करेंगे, ठीक है जी, आप अपने फीलिंग का रेशियो यूज करो, देखो अपने आप हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, इसका मतलब अगर नेट प्रॉफिट 160 का जनरेट हो सकता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं अभी कितने का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है वो, सिर्फ 80, यानी कि इसके अंदर छुपा हुआ पोटेंशियल कहता है कि आप अपना प्रॉफिट 2 गुना तक ले जा सकते हो, जो किसने सिखाया इसको, रेशियो ने। आप मुझे बताओ, ध्यान से सोचो, बी लिमिटेड ने आपको अपॉइंट किया कि देखो भाई मैं तो इतना जनरेट कर पा रहा हूं, ये तो 100 जनरेट करता है, जबकि हमने ज्यादा पैसे लगा रखा है, उसने कम पैसे लगा रखा है। हम कहते रुको हमें देखने दो, हमारा कहां बुराई है, हम कहते बुराई हमारा ये है कि हमारा एक पार्ट पे हम अच्छे, उसको अच्छे रहने देंगे, दूसरे पार्ट में क्या है सेल कम जनरेट कर रहे, हम कहते उसको देखने जाते ए लिमिटेड ये कैसे सेल जनरेट करता है। हम देखने गए ए लिमिटेड को, ए लिमिटेड को देखते वो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करता है, कहते एडवर्टीजमेंट करने के बाद तो घटिया से घटिया सामान भी क्या हो जाता है, बिक जाता है, आप लोगों को नहीं लगता,
नो चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना बोलने वाले के कान में नहीं आटा भी बिक जाता है और ना बोलने वाले का चावल भी नहीं बिकता है। क्या मतलब है बताओ? ऐसे थोड़ा बना रखा है, कुछ लोगों ने बचपन में बोल रखा है, वो गलत थोड़ा ना बोल रखा है। बोलो। मार्केटिंग, बिल्कुल ठीक है जी। कुछ लोग देखोगे आज के रेट पे तो सिर्फ मार्केटिंग के बदौलत ही क्या करते हैं, रोटी खा। आइए आगे बढ़। नहीं अब जैसे हमारा पेन ड्राइव वगैरह जाते हैं ना फाइनल में, पहले तो नहीं जाता था, ये तो पिछले 6 महीने से जाते हैं पेन ड्राइव। तो अब बच्चे लोगों को अब देखते कि बाहर वाले वाले सब 21-21 हज़ार का पेमेंट करा हुआ स्लिप हमारे को भेजते, ठीक है हम भी डिस्काउंट कर देते। अब वो कहते हैं कि सर पता ही नहीं चलता है ना पहले, अब तो यूट्यूब हो गया है तो हम यूट्यूब पे जाके हम क्वालिटी का थोड़ा कंपैरिजन कर लेते तो पता चलता है। अब आपके देखा है कि वीडियो, दो ही वीडियो देखा तो पता चला फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट समझ आता है, और हमने तो पूरा फॉरेक्स पढ़ लिया तभी उतना कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया था, ठीक है जी। तब तो वो वीडियो लेते तो हम लोग भी डिस्काउंट करते, जम के डिस्काउंट देते हैं। क्यों देते थे डिस्काउंट यूट्यूब वाले? नहीं मेरे वाले वीडियो कैसे कॉपी कर लेगा, 2 लाख रुपये खर्चा करा हुआ है, ऐसे करा हुआ है थोड़ा ना कॉपी नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप उसके साथ ना, उसके साथ टाइम वैलिडिटी होता है, 1 साल बीतते ही क्या हो जाएगा, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आप उसको अगर मान लीजिए 1 घंटे का वीडियो है, ठीक है, उसको एक बार प्ले कर लिए कितना हो गए, आप 10-10 मिनट देखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब 1 घंटा देख लिए, फिर दोबारा आपने 30 मिनट्स और देख लिया तो कितने हो गए बताओ, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे के बाद वो वीडियो प्ले ही नहीं होगा। ओहो हाँ तो ऐसे ही होते हैं ना, 1.5 घंटे के बाद वीडियो प्ले नहीं होगा तो फिर बच्चे क्या करेगा बताए? आज चलो ना ठीक है पेन ड्राइव खरीदते हैं, एक सिस्टम पे हमने देख लिया, अब हमारा ख़त्म हो गया, दूसरे सोर्सों को दे देते, तू भी देख ले, ठीक है जी पैसे बांट लेंगे। प्रोजेक्टर पे चलेगा ही नहीं, 22 इंच से ज़्यादा पे हमारे से वीडियो चलेगा ही नहीं। लैपटॉप से जैसे आप प्रोजेक्टर रिकॉर्ड स्क्रीन पे बड़ा पे डालोगे प्रोजेक्टर ही बंद, चलेगा ही नहीं आपका, ठीक है जी। आप जैसे फ़ोन से तो वो तो कर सकते, वो तो किसी को कोई नहीं रोक सकता है, आप फ़ोन से बैठ के यहाँ रिकॉर्ड करोगे तो क्वालिटी वैसे ख़राब हो जाता है, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। और इतना ही नहीं है, जब स्क्रीन पे जाओगे तो स्क्रीन पे वहाँ पे आपका नाम डिस्प्ले चल रहा होता है, वाटरमार्क चलता है, कभी आपका नाम यहाँ आएगा, कभी नाम यहाँ आएगा, कभी नाम यहाँ आएगा, कभी नाम यहाँ आएगा, इस तरीके से घूमते रहेंगे। अब मोबाइल से रिकॉर्ड करेंगे तो उस वीडियो में आ गया ना आपका नाम, आप रिकॉर्ड करो ना मोबाइल से, तो मोबाइल से क्या हो गया बताओ, वीडियो पे आ गए नाम। अब नाम आ गया तब क्या होगा बताओ, अब करके तो देखो, तो हमारे पास तो सारा चीज़ है ना, उसके लिए भी तो है ना, एटलीस्ट पता तो चल गया ना किसने किया हुआ है, तो उसके बाद देखते हैं, सब चीज़ तो ऑलरेडी पहले कमिटमेंट हो चुका होता है ना, तो नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि 21,500 ले रखा है। अब तो होता क्या है कि बोलना नहीं होता है, अब क्लास है तो कैसे बोलेंगे, दिखा नहीं सकते हम इसमें, नहीं तो हमारे पास अभी 21,500 का यहाँ पे स्लिप पड़ा हुआ है, ठीक है जी। क्या दिखाऊं? नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है जी। अब देखिए 21,500 पैसे पे कर रखा है, और हम मेरे पास, मैं उसको जानता भी हूँ, ये दिल्ली का नहीं है, वो बाहर का है, ठीक है जी। अब आप सोचिएगा, उसका मैंने एक बार कभी सजेस्टेड से पहले आंसर आ रखा है, इतना घटिया आंसर, आंसर इतना गलत देता है, और उसके बावजूद भी वहाँ चार्ज कर लेते। बच्चे तो क्या सोचते, वो तो सीधा कहते सर हमें तो ऐसे लगता है कि पैसे ज़्यादा ले रहे तो अच्छा होगा, ठीक है जी। बाद में पता चला कुछ भी समझ नहीं आते, ठीक है जी। अब लड़ाई कराए तो 50% डिस्काउंट, वो मतलब रिफंड मिला है, अब वो आपका तो 50% पूरा वीडियो ही आ जा रहा है। हम तो 12,000 में दे देते हैं ना, ठीक है जी, 12,000 में हमने पूरा पेन ड्राइव दे दिया उनको, ठीक है जी। वो 21,000 में वहाँ पे ले लिया, और उसके बाद में उसको 50% डिस्काउंट देते हैं, कितना है बताओ? वो 50% जो रिफंड लिया है ना, उतने में वो मेरा वीडियो आ जाता है, कहते अब समझ जा रहा है सारे चीज़। अब इसका मतलब क्या हो गया? कोई ज़रूरी नहीं है कि हम क्या कहते हैं कि महंगा है तो अच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ नॉर्मली होता है, वो अच्छी बात है, नॉर्मली होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा होगा। इसका मतलब सिंपली ऐसे समझ जाइए कि आपको ये देखना है कि मार्केट्स को देख के आपको ये पता चलता है कि हम कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते, ठीक है जी। वो जो स्लिप की बात करें ना, वो मैं दिखा दूंगा, कब वीडियो शीडियो बंद हो जाएंगे तो ब्रेक में दिखा दूंगा, ठीक है जी। अब ये पब्लिकली डिस्क्लोज करना अच्छी बात नहीं है ना, ये देखिए मजा आ गया। कौन सी वाला आइडिया? अच्छा वो सुन के आज मजा आ गया, अच्छा क्या बात है। ये देखिएगा टेक्निक पता चला ना उनको, ये जो हम अभी स्क्रीन वाले बात कर रहे हैं ना कि 22 इंच से ज़्यादा पे नहीं चलेगा, वो तो तीन लोगों दूसरे दूसरे ने सुना वाला, हाँ ये बढ़िया टेक्निक लगा रखा है आपने, क्योंकि नहीं तो सीधा
60 इंच के टीवी पे चलाओ, ठीक है। अब तो उसके लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं ना, उसके लिए तो ये बड़े वाले कैमरा भी काम चल जाएगा ना। और बड़े वाले कैमरा हो गया तब तो फिर कर ही सकते हैं। तो फिर कहते हैं उस वेस में फिर वाटर मार्क है, तो वाटर मार्क है तो चलो ठीक है, एटलीस्ट कम से कम टीवी पे चला के 20 लोग बैठ के हॉल में भी तो चला लोगे। 20 लोग बैठ जाओ, एक पेन ड्राइव लो, देखो कितने कॉस्ट आ जाता है, 500-500 रुपये दो, 20 जने का ग्रुप बना लो। हमें तो कोई देखने आता नहीं है, हम तो मुंबई में बैठे हुए, कोई टीचर ही कर लेता है, ठीक है। किसी से चार्ज कर लिया, प्ले कर दिया, ठीक है जी, तो कैसे होगा, होगा ही नहीं। हमने स्क्रीन कितना रिकॉर्ड उसमें कितना ब्लॉक कर दिए, 22 इंच, 22 इंच से ज़्यादा पे जैसे जाएगा तो फिर वीडियो क्या हो जाएगा, बंद, ठीक है। कुछ लोग कहते सर हम इस रिमोट लोकेशन से ले लेंगे, कैसे ले लेंगे, हम लोग टीम व्यूअर पे सिस्टम लेके उसमें रिकॉर्ड कर देंगे, होगा ही नहीं, टीम व्यूअर पे जाएगा ब्लैक स्क्रीन, ब्लैंक हो जाएगा। हर तरीके से क्या कर रखा है उसको, ब्लॉक सिक्योरिटी कर रखा है। एक ही है कि मोबाइल से रिकॉर्ड करो और उसको हेज करने के लिए स्क्रीन पे नाम डिस्प्ले करा देते, ठीक है। चलो ठीक है जी, चलो आइए, करना है इसको, सही बात बोल रहे हैं, ठीक है जी, आप करके तो देखो। चलो कोई बात नहीं, आइएगा वापस हम लोग, कितना 160 आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये कह सकते हैं हमने कंपैरिजन किया है तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए इसमें। तो ध्यान से सोचिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचिएगा 160 में, यानी कि बी लिमिटेड कैन इंक्रीज प्रॉफिट फ्रॉम, बी लिमिटेड कैन इंक्रीज प्रॉफिट फ्रॉम 80 करोड़ टू 160 करोड़, ये कर सकता है। लेकिन ये पता कहाँ से चला इनको कि हम कर सकते हैं, रेशियो ने, ठीक है जी। बी लिमिटेड कैन इंक्रीज प्रॉफिट फ्रॉम 80 करोड़ टू 160 करोड़, ये जो है ये क्या चीज का इंपोर्टेंस है, देखिए, इट इज इंपोर्टेंस ऑफ, देखो हम कोई चीज पढ़ते हैं जब तक हमें उसका अहमियत ही नहीं पता होगा तो क्या कर सकते हैं, सोच के देखो आप, इट इज इंपोर्टेंस ऑफ रेशियो। लेकिन ये रेशियो आपने किसके कंपैरिजन में बनाया था, एक कंपनी दूसरे को देख के अपना पोटेंशियल को ढूंढता है, इट इज इंपोर्टेंस ऑफ रेशियो, रेशियो इन कंपैरिजन टू अनदर कंपनी, ठीक है। अब मुझे बताइए रेशियो, रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड, रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग, किस किस चीज को कंपेयर करोगे सोचिएगा, मैं दो तीन लाइन लिखता हूं। सबसे पहले टू अकाउंटिंग फिगर्स, टू अकाउंटिंग फिगर्स ऑफ सेम एंटिटी, सेम एंटिटी का टू अकाउंटिंग फिगर्स ऑफ सेम एंटिटी फॉर सेम ईयर, ठीक है जी। अब मुझे बताइए दूसरा क्या हो सकता है, वन अकाउंटिंग फिगर ऑफ 2 ईयर्स, एक अकाउंटिंग फिगर 2 साल का हो सकता है, वन अकाउंटिंग फिगर ऑफ 2 डिफरेंट ईयर्स, पिछले साल से हम लोग कह सकते हैं 2 डिफरेंट ईयर्स, और क्या हो सकता है बताइए। तीसरा, एक रेशियो दूसरे रेशियो से हम कंपेयर कर लेते हैं दूसरे इंडस्ट्री का, ठीक है जी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं
वन अकाउंटिंग फिगर, वन अकाउंटिंग फिगर, वन अकाउंटिंग फिगर ऑफ ए कंपनी विथ विथ अदर कंपनी, या कभी कभी कंपनी को नहीं देखते हम लोग, इंडस्ट्री को देखते हैं। बता सकते हैं इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री जो होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर बिजनेस, ग्रुप ऑफ कंपनी विथ सेम बिजनेस। ठीक है जी। वन अकाउंटिंग फिगर ऑफ ए कंपनी विथ अदर कंपनी ऑफ लिक इंडस्ट्री, हो गया तक। या कभी कभी एक रेशियो दूसरे रेशियो के साथ। अब दो अकाउंटिंग फिगर हमने अपने कंट्री का देख, कंपनी का देख लिया, और दो वही सेम फिगर हम किसका देखेंगे, दूसरे का, और ये रेशियो को कंपैरिजन भी करते। अभी आपने एक वैल्यू कंपैरिजन किया कि मैं कितना सेल जनरेट करता हूँ, वो कितना करते, ठीक है। अब हम कहते नहीं, हम रेशियो देखते, क्योंकि उसने ज़्यादा पैसे लगा रखा है, हमने कम लगा रखा है, तो हमारा वैल्यू बदल गया, तो हम रेशियो से बात कर लेते। यानी कि हम एक और लाइन लिख सकते हैं, तीसरा, सॉरी चौथा, चौथा, वन रेशियो ऑफ ए कंपनी, वन रेशियो ऑफ ए कंपनी विथ विथ अनदर कंपनी पब्लिक इंडस्ट्री। ठीक है, वर इंडस्ट्री का मतलब होता है इंडस्ट्री का मतलब है ग्रुप ऑफ 50, 50 कंपनी का ग्रुप होता है निफ्टी, ग्रुप ऑफ सेम गुड। ग्रुप ऑफ सम कंपनीज विथ सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे आईटी इंडस्ट्री, बताइए आईटी इंडस्ट्री में कौन कौन आता है? आईटी इंडस्ट्री कौन कौन कंपनीज वगैरह है? इन्फोसिस, इन्फोसिस, टीसीएस सुना है? टीसीएस, विप्रो, विप्रो, एससीएल टेक, ये सारे क्या है बताइए? टेक महिंद्रा, ये सारे आईटी इंडस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है जी, ये एग्जांपल के लिए है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप देखिए, कोई एक कंपनी है पूरे इंडस्ट्री का रेशियो। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्री का हम कैसे डिसीजन लेंगे, कैसे हम लाएंगे? इंडस्ट्री का भी डेटा मिल जाता है आपको, सारे मिल जाता है। ठीक है जी, ये देखिए, नोट पे आते हैं हम लोग। रेशियो को तो हम कहते हैं कोई लिमिटेड है ही नहीं, रेशियो जो है ना वो अनलिमिटेड है, कुछ भी बनाओ अपने मतलब के लिए। ठीक है जी, नंबर ऑफ रेशियोज क्या बताइए आर अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है इसका। ठीक है जी, नंबर ऑफ रेशियोज आर अनलिमिटेड, जियो की तरह, बिल्कुल सही, अनलिमिटेड। ठीक है जी, वी कैन मेक रेशियो एज पर दी, वी कैन मेक रेशियो एज पर दी ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेशियो बना सकते हो। यूजिंग एनी अकाउंटिंग फिगर्स, जो जनरल रेशियो है
उसका रेशियो का नेम एक ही होता है जिसको हम लोगों को याद नहीं करना है, ठीक है जी। नो नीड टू रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ जनरल जनरल रेशियो। नेम ऑफ रेशियो इट्सेल्फ, नेम ऑफ रेशियो इट्सेल्फ कम्युनिकेट्स फॉर्मूला। नेम ऑफ रेशियो इट्सेल्फ कम्युनिकेट्स फॉर्मूला, जैसे कि क्या देखिए, हम कहते हैं करंट असेट्स टू फिक्स असेट्स रेशियो, करंट असेट्स टू फिक्स्ड असेट्स रेशियो, ये कोई रेशियो है ही नहीं अब, यानी कि स्पेसिफिक रेशियो नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। तो अब मुझे बताइए, करंट असेट्स टू फिक्स असेट्स रेशियो अगर ये बोले तो आप मुझे बताइए क्या इसको याद करने की जरूरत है, नहीं है, क्या है इसका मतलब बताइए। ये हो जाता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाई, करंट असेट्स डिवाइडेड बाई फिक्स्ड असेट्स। नेम इटसेल्फ सजेस्ट इस फॉर्मूला। तो हम कहते हैं करंट असेट्स डिवाइडेड बाई फिक्स असेट्स। अगर मान लीजिए कहीं पे कहते हैं, एक तो काफी है ना, ठीक है, तो क्या जनरल फॉर्मूला हमारा क्या हो गया बताइए। इट मीन्स ये सब नोट में ही चल रहा है ये सारे। इट मीन्स ए बी सी टू एक्स वाई जेड रेशियो इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड। नहीं तो इसको एक कॉन्सेप्ट का नाम भी दे सकते हो नोट की जगह, नेम ऑफ रेशियो, रेशियो का क्या नाम होना चाहिए वो कह सकते हो। अब रह गया क्या बताइए, स्पेसिफिक रेशियो। स्पेसिफिक रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 50 है जिसका नाम आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। There are some specific ratios around 50 number. There are some specific ratios around 50 number. Which are to be remembered, जिसका नामकरण किया हुआ है, ठीक है जी। तो नामकरण किया हुआ कितने हो गए अप्रॉक्सीमेटली 50। तो चलो एक एक करके हम लोग याद करेंगे इसको। तो हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं इसको, चार कैटेगरी में हम लोग रेशियोज को डिवाइड करेंगे और सबका मतलब अलग अलग है, वो मतलब को समझने की कोशिश करेंगे और हम रेशियो को आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेशियोज, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रेशियोज। रेशियोज का चार कैटेगरी है, हाँ जी। ये देखिए, एक हम कहते हैं लिक्विडिटी रेशियोज, ये कैटेगरी है लिक्विडिटी रेशियोज।
इसी को हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। ध्यान से देखिए, लिक्विडिटी रेशियोज यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। अब देखिए, एक है कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज रेशियो, इसी को हम एक और नाम देते हैं जी, क्या पता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का रेशियो। ठीक है जी। अब देखिए, एक है रेशियोज, लिखना रेशियोज रेशियोज रेशियोज। क्यों रेशियोज? क्योंकि कैटेगरी है, एक रेशियो नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारे रेशियोज है। ठीक है जी। एक हो गया एक्टिविटी रेशियो, रेशियो नहीं, एक्टिविटी रेशियोज, या हम लोग इसी को परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहते हैं। परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस रेशियोज। ठीक है जी। अब देखिए, इसमें और लास्ट में रह गया एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज टोटल चार कैटेगरी है, हम इसको एक साथ बाद में समराइज करेंगे। ठीक है, हम इसको बाद में समराइज करेंगे, बस अभी क्या करना है आपको, एक एक करके लिखते चलना है। ठीक है जी। सबसे पहले लिक्विडिटी रे, यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़ सकते हैं। रेशियोज हम लोग 1, 2, 3, 4 में लिखेंगे, चाहे कोई भी कैटेगरी में क्यों ना आ जाए, नंबरिंग हम लोग चेंज नहीं करेंगे। क्या समझ आया? जैसे इसमें चार रेशियो आ सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें चार रेशियो हो गए तो चार आ गए, फिफ्थ रेशियो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ठीक है जी। तो ये देखिए, कहाँ से आ रहा है ये, वही तो सोच रहे, यहाँ मक्खी कहाँ से आ गया, सर पे बैठ रहा है इनको भी। हाँ जी, चलो ये देखते हैं हम लोग, सर पे बिठाओ इनको। सबसे पहले आते हैं ए में, कौन सी, लिक्विडिटी रेशियोज। हाँ जी। अब सोचिए कि लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विडिटी का मतलब क्या समझते हैं, पहले बताएंगे देन हम लोग रेशियो में आएंगे। लिक्विडिटी का मतलब समझाइए, सोच के सोच के, थोड़ा टाइम मत लगाओ। विद इन 1 ईयर? क्या विद इन 1 ईयर? विद इन 1 ईयर बोलने से ज्यादा बढ़िया है कि इजीली अगर हम किसी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम कहते हैं लिक्विडिटी पोजीशन ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में पैसे तो है लेकिन सारे के सारे फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स ही नहीं, सोच के देखो क्या लिक्विडिटी पोजीशन ठीक है या नहीं है। अब आज ही नहीं आया, नहीं है ना, क्यों नहीं है बताइए। लिक्विडिटी का मतलब, जैसे मैं कहता हूं कि आपने पढ़ा है लिस्टेड, एक लिस्टेड कंपनी का शेयर है, एक नॉन लिस्टेड है, किसके लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, सोच के देखिए।
रिक्रूटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नॉन लिस्टेड है उसकी बात करना। नॉन लिस्टेड का मतलब समझ गए क्या? जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता, जो एनएससी बीएससी परमिशन नहीं देता वहां ट्रेड करने के लिए। जैसे हमने बोला कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि मिस्टर एक्स को हम कंपनी में पैसे लगा दिए, उसको कंपनी से पैसे निकालना है, कंपनी तो एसेट्स बेस के उसको पैसे नहीं दे सकता, वो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में और वहां पर जाके बेच देते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ले लेते हैं। लेकिन याद रखो वो हमने लिक्विडिटी को समझाने की बात करा था, लेकिन लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, कंपनी की, यहां इन्वेस्टर की बात नहीं हो रही, वो इन्वेस्टर का लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। किसका? इन्वेस्टर का, कंपनी का नहीं, कंपनी के लिए वो लिक्विड नहीं है। बताइए कैसे? कंपनी ने जो अपना पैसे लगा रखा है क्या वो इमीडिएटली रियलाइज कर सकता है? नहीं, वो तो इन्वेस्टर कर सकता है ना। तो हमने जो अभी बात करा था इन्वेस्टर के नजरिए से कि किसी ने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो वो उसके लिए लिक्विड इन्वेस्टमेंट है अगर वो लिस्टेड कंपनी में पैसे लगाया तो। अब मैं कहता हूं नॉन लिस्टेड में लगा दिया जो कहीं ट्रेड ही नहीं होता, अब उसका लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको अगर पैसे निकालना है तो उसका हालत खराब हो जाएगा। कैसे बताओ? कहाँ पे जाओगे? ढूंढो, जाओ किसी से पूछो, भैया तुम्हें शेयर चाहिए क्या, तुम्हें ये चाहिए क्या, तुम्हें वो चाहिए क्या। इसका मतलब ये हो गया कि आपको वन टू वन डील करने पड़ेंगे, ऐसे लोगों को आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं कि चलो अब कंपनी के नजरिए सोचते, कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, क्या वो लिक्विड है? नहीं है, नहीं है। लिक्विड क्या है फिर? हमने कुछ स्टॉक में रखा है, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखा है शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड में, किसी हमने ट्रेजरी बिल खरीद रखा है। ट्रेजरी बिल सुना है कभी? क्या होता है? आरबीआई इशू करते हैं, वो रिस्क फ्री रेट की तरह हम लोगों को यूज करना होता है, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं कि जो भी शॉर्ट टर्म वाले एसेट्स जो है, शॉर्ट टर्म वाले एसेट्स जो है, क्या हम उसको कह सकते हैं लिक्विड एसेट्स है? डेटर को हमने उधार दिया है 3 महीने के लिए, हम वो पैसे रियलाइज कर सकते हैं? कैसे रियलाइज करेंगे? एक तो 3 महीने के बाद वो तो अपने आप रियलाइज हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक नहीं हुआ हमारे। और हम एक काम और कर सकते हैं, उनको लालच देके भाई 1% डिस्काउंट दिया तो अभी दे देना पैसे मुझे, तब भी रियलाइज कर सकते हैं, यानी कि वो लिक्विड हो गया, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं कि जो भी करंट एसेट्स है वो हमारा लिक्विड एसेट्स है, तो क्या आप अग्री कर जाओगे? आपने पढ़ा होगा कि बैंक को अगर आपको सीआरआर मेंटेन करना होता है अपने लिक्विडिटी पोजिशन को मेंटेन करने के लिए, क्या समझ में आया? लिक्विडिटी पोजिशन ठीक है इसका, यानी कि अगर शॉर्ट टर्म के पैसे आप किसी को पे कर पा रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए जो भी कुछ आना जाना है उसको अगर आप इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हो या उसको रिमबर्स कर पा रहे हो जो भी कुछ है, तो हम कह सकते हैं उन कंपनी का लिक्विडिटी पोजिशन ठीक है। कैश क्रंच ना हो तो लिक्विडिटी ठीक है, यानी कि कैश क्रंच हो गया तो चाहे जितने भी एसेट्स क्यों ना हो आपका लिक्विडिटी पोजिशन ठीक नहीं है। तो आप मुझे बताइए, इससे कैटेगरी बनाया लिक्विडिटी रेशियो जानने के लिए, किसी कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन जानना चाहते हैं आप, उसका क्या देखने जा रहे हो? करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो क्या ये रेशियो जितने भी होंगे क्या सारे के सारे करंट असेट्स एंड करंट सॉरी क्या कहते हैं हाँ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी से लिंक होगा ये? सोच के बताइए, हाँ या ना? हाँ तो ठीक है, लीजिएगा। पहले तो मैं बैकग्राउंड देता हूं कि लिक्विडिटी रेशियो लिंक किस से लिंक है, तब हम उसको एक डायग्राम पे उस पर बैलेंस शीट पर डाल के फिर सारे रेशियो बना देंगे, ठीक है जी। ये देखिए, लिक्विडिटी रेशियोज आर रिलेटेड टू किस से? इक्विडिटी करंट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ability to convert assets into cash
एबिलिटी टू कन्वर्ट एसेट्स इनटू कैश इज नोन एज क्या चीज? लिक्विडिटी। जब भी लिक्विडिटी की बात किया जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, एबिलिटी टू कन्वर्ट एसेट्स इनटू कैश, किसी भी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करने का जो आपका एबिलिटी है वो किस चीज़ को बताता है, लिक्विडिटी को। अब मुझे बताइए करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी जो होते हैं हमारे लिए वो लिक्विडिटी को बताता है, इसीलिए हमने क्या करा है, लिक्विडिटी रेशियो आर रिलेटेड टू करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। एंड करंट असेट्स कैन बी कन्वर्टेड इंटू कैश विद इन शॉर्ट विद इस शॉर्ट टाइम पीरियड, कह सकते हैं ना? हाँ जी, कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, लिक्विडिटी। ठीक है जी, तो अब अगर कैश में लाते हो तो पेमेंट भी तो उसको करने पड़ेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हमारा ये जितने भी लिक्विड रेशियो है ये क्या चीज़ से रिलेटेड होंगे, करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, उसके कॉम्पोनेंट, सिर्फ करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी नहीं उसके कॉम्पोनेंट के अंदर भी। तो क्या मैं एक बैलेंस शीट से एक डायग्राम बना दूँ कि इन सारे डेटा से हमारा करंट असेट्स लिखे तो थोड़ा सा माइंड में क्या रहेगा, सेट रहेगा। तो ये देखिए, अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट की, अगले पेज पे ले लेते हैं, थोड़ा डायग्राम बना देंगे ना तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, ताकि हमें पता चलेगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, और पहले भी बता रखें बैलेंस शीट में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए नहीं बना रहे, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। आपको पता है हम जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो दाएं बाएं थोड़ा सा स्पेस रख के काम करते ताकि हमें परेशानी ना हो। ठीक है जी, अब देखिए जब भी बनाएंगे तो हम बैलेंस शीट इनकम्प्लीट तो रखेंगे नहीं, इक्विटी प्रेफरेंस तो होगा ही उसमें। ठीक है, इक्विटी तो होगा ही, इक्विटी कैपिटल होगा इसमें, इसने रिटेन किया होगा क्योंकि हमने बताया था रिटेन से भी फाइनेंसिंग किया जा सकता है, लेकिन रिटेन से फाइनेंसिंग कौन करता है, जो कंपनी पुराना हो जाता है, नए में स्टार्टिंग में रिटेन अर्निंग से कभी भी फाइनेंसिंग नहीं होता है। फिर हमने बोला था कि प्रेफरेंस से पैसे लाते हैं, कोई बात नहीं प्रेफरेंस से लाते रहे। एक हो गया लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट की हम बात करते हैं तो ठीक है ये भी हो गया, इससे भी अभी फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं किससे, करंट असेट से, सॉरी करंट लाइबिलिटी से। तो ये रहा करंट लाइबिलिटी को, हम उसके हेडिंग के अंदर बहुत सारे आइटम्स डाल देते हैं। बताइए क्या क्या डालते हैं, क्या हो सकता है एक हमारे लिए, एक क्रेडिटर हो सकते हैं, और क्या हो सकता है बताइए, एक्सपेंस पेएबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कह सकते हो ना, एक हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और बताइए ट्रेड पेएबल्स वही हो गया ना क्रेडिटर्स। एक काम करो, लिखा है अभी क्या, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्रेडिटर हम किसको बोल रहे हैं, यही हमारे लिए ट्रेड पेएबल। वैसे आज के रेट पे क्रेडिटर लोग नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, ट्रेड पेएबल। ठीक है, लेकिन हमारे में लिखा हुआ मिलेगा एफएम में, उधर नहीं मिलता आपको एफआर अकाउंट्स में, यहाँ मिल जाएगा। ट्रेड पेएबल वही हो गया क्या हमारे लिए, क्रेडिटर, और बताइए आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, कुछ आपको पेमेंट करना बाकी है, और क्या मिल सकता है बताइए, ओवरड्राफ्ट कहते हो आप लोग, बैंक ओडी। ठीक है, आप लोग कहते हो कि ये बैंक ओडी जो है वो बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है जी, चलो इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है जी, आते इधर, इधर भी नॉन करंट असेट्स हो जाएगा, नॉन करंट असेट्स में हमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत अभी नहीं है क्योंकि वो लिक्विड नहीं है, वो लिक्विड असेट्स नहीं है हमारा, हमें अभी लिक्विड पे बात करना है। ठीक है, तो इसके सामने सामने लिख लेते हैं करंट एसेट्स। अब मुझे बताइए करंट एसेट्स की तरफ क्या क्या रखते हो आप लोग, सोचिए, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल जिसको हम लोग डेटर से नकार नहीं सकते क्योंकि आने वाले टाइम पे डेटर डेटर वर्ड मिलेगा,
ठीक है जी। तो ट्रेड रिसीवेबल को ही हम ब्रैकेट में लिख देते हैं डेटर्स, ठीक है। ये देखिए पहले हम आ जाते हैं स्टॉक पे, क्या इन्वेंट्री वगैरह मिलेगा? स्टॉक कौन कौन सी होगा हमारे लिए, कौन कौन सी स्टॉक होगा बताओ जी, कौन कौन सी स्टॉक हो सकता है? सोच लो, फिनिश गुड्स का, क्यों मटेरियल का स्टॉक नहीं हो सकता हमारा? किसने बोला है कि मटेरियल का स्टॉक बैलेंस शीट में नहीं दिखता है? गलत गलत चीज दिमाग में मत रखा करो। हम ये उम्मीद करके चलेंगे कि थोड़ा बहुत कॉस्टिंग आता है आप लोगों को, हाँ, नहीं तो फिर हालत खराब हो जाएगा यहाँ पे, नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। वैसे भी ये सेकेंड ग्रुप है, और नॉर्मली सेकेंड ग्रुप इंसान फर्स्ट ग्रुप के बाद ही पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हमें यह ज्यूम करना पड़ेगा कि कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। हाँ, और चलो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अब मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो पढ़ा हुआ मुझे मालूम है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम कहाँ आता है, आप अगर स्टार्टिंग का क्लास याद करो कॉस्टिंग का, तो हमने आपको कॉस्ट सीट को P&L में कन्वर्ट करके सारे दिखाया हुआ है। बेसिक तो याद होनी चाहिए। हमने कॉस्ट शीट बनाया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, ठीक है जी, प्राइम कॉस्ट हो गए जो भी है, ओवरहेड डाला, फिर उसके बाद नॉन इनडायरेक्ट जो भी होता है वो सारे को क्या P&L में कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डालेंगे तो जीपी आएगा, फिर उसके बाद जो हमारा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को P&L में डाले, कोई बात नहीं, हम दोबारा ओपन कर लेंगे, किसको, उस कॉस्ट शीट को हम लोग दोबारा ओपन कर लेंगे ना, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है जी। जरूरत पड़ेंगे तो ओपन कर लेंगे, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां से हम दिखा दिखा के आप लोगों को काम चलाएंगे। याद रखिएगा, शायद इस पे बहस नहीं करा हुआ मैंने कभी, ये जो क्लोजिंग स्टॉक अभी स्टॉक मार्केट मटेरियल की बात आया था, क्योंकि वो यहाँ पे आता है, लिंक होता है, क्योंकि ये हमारे रेशियो के अंदर जब P&L बनाने पड़ते हैं ना तो लिंक करना पड़ता है। मुझे लगता है मैंने एक एक सेकंड देंगे मुझे, क्योंकि शायद मैं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों के टाइम पे ही मैंने NIRC में क्लास लिया था, ठीक है जी। अच्छा, FA में बोला था, क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा है जब मैंने कॉस्टिंग स्टार्ट किया था उसी टाइम CA इंस्टीट्यूट में क्लास था, और CA इंस्टीट्यूट वाले में सारा हमने 15 दिन में ख़त्म कराया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारा चीज़ उन लोगों को रिलेट कराया था आपको नहीं कराया था? क्योंकि जितना ज़रूरत होता है उतना ही करते हैं, और मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि जो हमारा कॉस्ट शीट है उसको P&L से लिंक करने वाले काम कॉस्टिंग में होता ही नहीं है। कॉस्टिंग में क्यों P&L बनाएंगे, कॉस्टिंग में क्यों P&L बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, इसका मतलब हमने कंसीडर नहीं किया है, और नहीं किया है तो हमने कुछ थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। हमने बात किया, थोड़ा सा रिकॉल करो, प्राइम कॉस्ट पढ़ा था कुछ आपने, मटेरियल लेबर होता है, वर्क कॉस्ट पढ़ा था कुछ कुछ, फैक्ट्री कॉस्ट पढ़ा था जिसमें हम लोग कुछ ऐड करते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने का 2 तरीका लिया था हम लोगों ने, ठीक है जी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलते हैं ओपनिंग क्लोजिंग को एडजस्टमेंट करने के बाद, फिर देखिए कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल सेल कैसे निकलते हैं, उसमें भी 2 ओपिनियन था कि हम लोग ले रहे हैं उसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने टोटल ओवरऑल कॉस्ट शीट बनाया, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क कॉस्ट आ गए, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, याद रखना ये क्लोजिंग WIP माइनस कर दिया हमने, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड ये सारा चीज़ ले लिए। अब उसके बाद देखिए सेकेंड ऑल्टरनेटिव, या तो आप फैक्ट्री ओवरहेड को लेते हो नहीं लेते हो, दो अलग अलग ओपिनियन था ना, अब उतना हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन ऑफ अबव कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड PL अकाउंट, याद करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल यहाँ आ गए, देखना ये क्लोजिंग स्टॉक कितने माइनस किया आपने, ये तीनों के तीनों क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, तीनों जाएगा आपका बैलेंस शीट में, वहां पे हमने सब डिस्कशन करा हुआ था, भूल गए होंगे बात अलग है, ठीक है जी। चलो, यानी कि वही कॉस्ट शीट को हमने आपको P&L में डाल के दिखाया था कि इसको P&L में कैसा दिखेगा, तो हमने क्या करा, डायरेक्ट मटेरियल ये हो गए, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया ना आपका,
ठीक है जी, पहले तो ओपनिंग स्टॉक ले लिया हमने यहाँ से, और फिर देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और ये जो अभी हमने बात कर रहे हैं ये हमारे यहाँ लिंक होगा, अभी इसमें रेशियो में लिंक होगा ये P&L अकाउंट, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, इस पर दोबारा हम बहस कर लेंगे, भूल गए होंगे अगर, तो ऐसा नहीं कि हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ समझाएंगे, लिखने वाले काम हम लोगों का उधर हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ लाइट आ गई, वो 10-15, 10-5-10 मिनट के लिए जाता है। ये देखिए एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, नेट सेल, यानी कि दो जो था ना, ये एडमिन और सेलिंग हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डालते हैं, और उसके बाद हमारा नेट PL आ जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से है। तो अब इसका मतलब हमने आपको वहाँ पे किस तरीके से इसको समझाया था वो बात अलग है कि आप भूल गए होंगे, ये मटेरियल का ओपनिंग और ये मटेरियल का क्लोजिंग क्या बताता है। चलो आपने बोला तो मैं एक नेट बोल देता हूँ। जब हम स्टॉक में जाते हैं तो हमारे को स्टॉक तीनों आता है यहाँ पे, मटेरियल का भी, WIP का भी, एंड फिनिश गुड्स का भी। क्यों आता है ध्यान से सोचिए, हमने बताया था कि मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कब बचता है, अब जब टोक दिया बीच में तो एक लाइन का डिस्कशन करना बनता है, ठीक है जी। आप बताइए मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बनता कैसे, P&L में जाता कैसे, मैन्युफैक्चरिंग में जाता कैसे, कभी सोचा है आपने? पहले भी डिस्कशन हो रखा है, एक बार और डिस्कशन करते, थोड़ा जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। आप जब कोई सामान खरीदते हो तो क्या कहते हो, मटेरियल अकाउंट डेबिट। आप जब कोई सामान खरीदते हो तो कहते हो मटेरियल अकाउंट डेबिट, कितना जो भी कुछ है, मान लीजिए 1,000 रुपये का सामान खरीदा, मटेरियल आपका डेबिट हो गया, टू मान लीजिए कैश में आपने खरीदा तो टू कैश कर दिए, कितना हो गया 1,000 का। किस हैसियत से डेबिट किया इसको, एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स कैसे, एसेट्स होता तो बैलेंस शीट में जाता, एक्सपेंस है, एक्सपेंस कैसे हो गया जब तक ये खत्म ही नहीं हुआ, याद करो, चाय खरीद के लाए, चाय खरीद के लाए, अब तक हमारे पास एसेट्स, कब तक, जब तक इस कैश को बेच के, सॉरी ये चाय को बेच के पैसे रियलाइज कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे चाय को बेच के कैसे पैसे ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते। मान लीजिए अभी अभी हमारा गर्म चाय आया 10 रुपये का, ठीक है, हम किसी को ये तुरंत बोलते कि लो अभी तक तो तुमने कुछ भी नहीं करा, सामने बैठा हुआ 8 रुपये में तुम्हारे को चाय दे दिया, कोई बात नहीं, कैश रिसीव कर लिया, 2 रुपये का लॉस हुआ, जो भी है, मैंने कैश चाय को, ये मान लो चाय है, अब बताओ क्या हुआ, हाँ महापुरुष क्या हुआ, ये चाय का बेचा कहाँ है अभी बेचा तो था 30 सेकंड पहले, अभी तो पी लिया मैंने, यूटिलाइज हो गया, यानी कि इसका मतलब हम कह सकते हैं वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, जब तक वो कैश में रियलाइज हो सकता था तब तक वो एसेट, जैसे ही वो कंज्यूम हो गया तो एक्सपेंस। अभी मटेरियल आया है, एसेट्स है अभी, अब तक एसेट्स है, ठीक है जी। तो आप लोग अपने ओपिनियन को बदल दोगे, इसका मतलब क्या है, ठीक, घुमा दिया, तो कॉन्फिडेंस जिसके पास नहीं होता है ना वही क्या करता है, घूमता है। आप ये बोलो कि जब तक हमारे पास है तब तक क्या है वो एसेट्स, लेकिन आपने जो यहां डेबिट किया है ना वो एसेट की हैसियत से नहीं, एक्सपेंस की हैसियत से, ये भूलो मत आप। हम क्या कह रहे हैं, है एसेट्स लेकिन हमें मालूम है कि ये आज नहीं तो कल एक्सपेंस होना ही है। जैसे सोचो आप, मैंने चाय खरीद के लाया, कितने देर के लिए चाय मेरा एसेट था, जब तक गर्म था, है ना। तो मैं कहता हूं कि मैंने कैश चाय खरीद के लाया तो मुझे तो मालूम है कि तो एक्सपेंस में कन्वर्ट होना ही है, तो हम क्यों ये नखरे दिखाए 2 मिनट के लिए कि हमारा एसेट से 2 मिनट के बाद एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले ही हम क्या कर देते, एक्सपेंस में बुक कर देते। तो होता क्या है, मटेरियल जो हम खरीदते हैं हमें मालूम है कि एक्सपेंस में कन्वर्ट होना ही होना है, क्यों, क्योंकि उस पर मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाएंगे ही हम, तो हम कहते हैं लाते ही पहले क्या कर देते, एक्सपेंस। याद रखना एक्सपेंस है नहीं, है एसेट्स लेकिन मालूम है 10 मिनट के बाद, कल परसों, अकाउंटिंग ईयर से पहले ही एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने पहले ही एक्सपेंस अज्यूम कर लिया, ये नहीं मत भूलना आप, अज्यूम करके हमने इसको क्या कर दिए, एक्सपेंस में बुक कर दिए। और तभी तो आप जैसे P&L अकाउंट बनाते हो तो फटाफट जाके क्या करते हो, टू मटीरियल, इसका मतलब P&L में जाने वाले आइटम्स क्या है, एक्सपेंस। आपने डाल दिया यहाँ पे 1,000, लेकिन बाद में पता चला कि अरे हमने तो कंज्यूम किया था सिर्फ 800 का, इसका मतलब एक्सपेंस तो 800 कन्वर्ट हुआ, आपने गलत कर लिया। हमने फिर क्या किया था बताओ, हमने मटेरियल कम किया, और मटेरियल को जो आपने एक्सपेंस बनाया था, एक्सपेंस को निकाल के बैलेंस शीट्स में डाल दिया, आपने बोला कि वो एसेट्स है हमारा। हम कहते कैसे निकालो भाई, हमने तो डेबिट कर दिया है। कहते 200 रुपये यहाँ निकालो, और यहां से निकाल के बैलेंस शीट में जाइए, और बैलेंस शीट में यहां पर रख दीजिए, कितना बताइए, 200 रुपये, और ये बोलिए क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया हमारे लिए 200।
इसका मतलब ये 200 जो था ना, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाया था आपने, ये क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस को माइनस करा था आपने, तो एंट्री कैसे डाला आपने? अब बोलोगे कि देखो पीएनएल में तो हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं ना, पीएनएल में ऑलरेडी डेबिट कर चुके एक्सपेंस, एक्सपेंस को कम करना है, तो एक्सपेंस कम कैसे होगा? पीएनएल में जब क्रेडिट किया जाता है तो या तो इनकम होता है या तो एक्सपेंस कम होता है। हम कहते टू कर देते पीएनएल अकाउंट, हम कहते अच्छा टू पीएनएल अकाउंट, हाँ अब नाम तो पीएनएल ही देते हो ना, होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है बट पीएनएल ही बोलते हैं लोग कॉमन पार्लेंस की जैसे, तो हम कहते टू बाई क्या करूं बताओ? कहते क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। तो ये वाले पोर्शन जो है ना ये यहां जा चुका है, और ये वाले पोर्शन जो आपने यहां पे 200 रुपये दिखाए हो, ये 200 रुपये का ट्रीटमेंट यहां पे हमने क्या कर दिया जी? क्रेडिट कर दिया। समझ में आ गए? इसका मतलब एक ही नहीं, जितने क्लोजिंग स्टॉक यहां माइनस करते हैं उतना हमारा क्या होता है यहां पे बैलेंस शीट में जाता है। तो हम जब भी बात करेंगे बैलेंस शीट में तो हमारे पास कितने स्टॉक मिलेंगे? तीन तरह के। और याद रखना अभी जो भी कुछ बोल रहा हूं ये वर्किंग कैपिटल चैप्टर में बहुत ही काम आएगा, क्योंकि जब हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो हमारे पास ये जितना आइटम्स लिख रहा हूं सारे आइटम्स आएंगे, लेकिन वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो तब तक तो दोबारा रिवाइज भी करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी जब टर्नओवर रेशियो अगर निकालने जाएंगे तो तीनों के तीनों रेशियो हमारा यूज होगा, जो एक्टिविटी रेशियो था, एक्टिविटी रेशियो में हम लोग तीनों के तीनों यूज करेंगे। तो इसीलिए आपको दिमाग में ये सेट करना है कि स्टॉक जो हो सकता है तीनों चीज का हो सकता है, क्या क्या बताइए? स्टॉक, ऐसा कर देते हैं स्टॉक ऑफ, तीनों लिखते हैं, लिखने में क्या जाता है? स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, सब लिखेंगे, क्या जाता है घर से, क्या जाता है? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, चलो स्टॉक वाले काम तो खत्म हो गए, ठीक है जी। और सबको हम लोग एक ही बार में इन्वेंट्री बोल देंगे आगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल भी आ गया, स्टॉक आ गया, क्या कैश भी होता है हमारा? कैश भी हो सकता है, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेज है वो भी आ सकता है, और इससे ज़्यादा क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है जी। बस एक बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो गए। अब मुझे बताइए, आपने बोला कि दो अकाउंटिंग वैल्यू का रिलेशन हमारे रेशियो बताता है, हम अपने कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल? यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम अगर बात कर रहे हैं तो ये देखिए, ये है इक्विटी कैपिटल, ये है रिटेंड अर्निंग, ये है प्रेफरेंस, ये है लॉन्ग टर्म डेट, ये है हमारा ट्रेड पेवल, ये है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस, ये है बैंक ओडी, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कैश एंड प्रीपेड एक्सपेंसेज। जब हम WIP पढ़ेंगे तो ये सारे आइटम्स निकालने होते हैं हमें, इतने आइटम्स को निकालना पड़ता है, ये माइनस ये करते एक चैप्टर खत्म हो जाता है हमारा वर्किंग कैपिटल चैप्टर। इसका मतलब समझ जाइए, वर्किंग कैपिटल इस अमाउंट को निकाल दोगे तो वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाएगा, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब आइएगा, अभी हम बात करें क्या चीज का? रेशियो एनालिसिस करने का, ठीक है जी। तो ये देखो, इन दोनों के बीच में जितने भी रेशियो जाएंगे, हम लोग जो अभी रेशियो बनाने वाले हैं ना, किनके बीच में? क्योंकि ये लिक्विडिटी पोजीशन को बताता है, तो इन दोनों के आपस में जो रेशियो जो वगैरह है ये क्या चीज को इंडिकेट करता है? ये कहते हैं हमारा लिक्विडिटी रेशियो का। तो आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं अगर आप सिर्फ बैलेंस शीट पे फोकस हो गए। ये है पूरा, मैं बता दूं आपको क्या है, ये जो पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन पता है वो क्या है? सेकंड कैटेगरी, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लीवरेज रेशियो जो कह रहे हो ये कैटेगरी है, इसका रेशियो बनाएंगे एक आपस में, ठीक है। तो वो बस बन जाएगा सारे। और जो एक्टिविटी रेशियो है ये पूरे बैलेंस शीट पे घूमेगा और पीएनएल अकाउंट पे, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो हमारा पीएनएल से लिंक होता है, तो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है जी। ये कौन सी रेशियो हो जाएगा बताइए? लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है जी। यानी कि ये सारे जो टाइम पॉइंट है ये हमारा लिक्विडिटी रेशियोज में आते हैं। तो चलो ये तो रहा एक मोटा सा, अब हम इसको दो तीन रेशियो देखेंगे फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है जी। एक रेशियो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहला रेशियो लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हमारा करंट रेशियो, स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान को नाम लेके, ऊपर वाले का नाम लेके, हाँ जी। पहला रेशियो जो है हमारा कौन सी बताइए? करंट रेशियो, करंट रेशियो, इसको और भी नाम देते हैं हम लोग करंट रेशियो, या कभी कभी इसी को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोल देते हैं, वर्किंग कैपिटल का रेशियो। अब आप मुझे बताइए वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीज आता है? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी का जो रेशियो उसको वर्किंग कैपिटल रेशियो बोलो या करंट असेट्स बोलियो, दोनों चलता है, ठीक है जी। तो अब मुझे बताइए करंट रेशियो में क्या लिया जाए?
प्रोपोर्शन ऑफ, प्रोपोर्शन ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज प्रोपोर्शन ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज इज नोन एज करंट रेशियो. ठीक है, रेशियो बनाइए. करंट रेशियो अगर देखा जाए, फॉर्मूला बनाओ बनाओ बनाओ, नामकरण है. अब इसमें वैसे नहीं पता चलेगा ए बी सी टू एक्स वाई जेड रेशियो, वो आपको याद करने पड़ेंगे अब किसका नामकरण रखा हुआ है. ठीक है जी, मतलब किसका नाम रखा हुआ है. करंट एसेट रेशियो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, बस खत्म हो गए. ये देखिए ट्वेल्थ में पढ़ा था. अच्छा, अब देखो अपन अपन को तो मालूम नहीं. हाँ, क्योंकि अपन साइंस बैकग्राउंड से, अपन तो जो भी पढ़ा सब इसी में आके पढ़ा. ठीक है जी, इसीलिए हमें नहीं मालूम. करंट असेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज. अब सोच के बताइए, अगर ये करंट रेशियो जो है ग्रेटर देन वन हो तो क्या इंडिकेट करता है, कितना होना चाहिए. क्या आपको लगता है करंट रेशियो लेस देन वन हो तो चलेगा? लेस देन वन हो तो वो हमेशा हमेशा क्या कहलाएगा पता है? पैसे होते हुए भी कंगाल कहलाएगा. कंगाल कहते हैं ना कुछ लोग. पैसे रहेगा नहीं, इंसॉल्वेंट मत बोलो. ठीक है जी, फंड क्रंच रहेगा, उसको पेमेंट नहीं कर सकता. ठीक है जी, स्टैंडर्ड रेशियो जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कहते हैं कि देखो एक रुपये की लाइबिलिटी पे दो रुपये का एसेट होना चाहिए. रीजन है ये, दो रुपये क्यों भाई, जब एक रुपये ही पे करना है तो दो रुपये क्यों रखे? क्योंकि देखो इसको आप इमीडिएटली रियलाइज नहीं कर पाओगे. आप मुझे बताओ, ट्रेड रिसीवेबल वाले सामने वाले कहते पैसे पे कर दो, कर देगा क्या वो? मान लीजिए हम डिस्काउंट ऑफर देते, मुझे जल्दी से जल्दी पे करना है किसी रीजन से, उसने मुझे डिस्काउंट ऑफर दिया. मान लीजिए ट्रेड पेबल था, मुझे किसी को पे करना है, उसने मेरे को ऑफर दिया, मेरे को इमीडिएटली पेमेंट करना है. मैं सामने वाले से भी ऑफर लेके पैसे ले सकता हूँ, लेकिन क्या लगता है क्या आप 100% कैश रियलाइज कर लोगे? नहीं कर पाओगे. इसका मतलब क्या है कि एक काम करते हैं हम, सेफ्टी के लिए 2 टाइम्स रख लेते हैं. अगर 100 रुपये पे करना है तो 200 रुपये हमारे पास रहे तो वो अच्छा होता है. ठीक है जी, जैसे आप सोचो, खुद सोचो, डेली एक्सपेंडिचर है आपका मान लीजिए 50 रुपीज़ का. कुछ बस सर कुछ अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, डेली एक्सपेंडिचर है आपका 100 रुपीज़ का. क्या डेली एक्सपेंडिचर जिसका 100 रुपीज़ होगा क्या जेब में 100 रुपीज़ लेके चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? जे 100 से ज़्यादा तो खर्चा ही नहीं होता आपको. ऑन एन एवरेज पास ट्रेंड देख लो, नहीं जाता है, 100 से ज़्यादा कभी खर्चा होता ही नहीं आपका, तो भी ज़्यादा रखते हैं. क्यों? इमरजेंसी आ गया, कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ दोस्त ने बोला चाय पिया भाई, अब चाय पिलाना है तो बताओ चाय ही पिलाएगा ना, और क्या. चलो कोल्ड ड्रिंक्स कहता है पिलाएंगे. ठीक है जी, अब मुझे बताओ, अब इज्जत की सवाल है. मान लीजिए बोल दिया चाय पिलाओ और चाय के लिए पैसे नहीं तो कैसे होगा? कभी मेरे को खुद ही ज़्यादा जरूरत हो गई, कुछ भी हो गया, कभी हो सकता है पैसे ही खो गया, कुछ भी हो सकता है. इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को सेफ करने के लिए थोड़ा सा रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रखते. तो यहाँ थोड़ा सा नहीं, इंडस्ट्री में बोला गया अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो तो आपको एटलीस्ट कितना रखना चाहिए? आपको 2 टाइम्स. ठीक है जी, 2:1, 2:1, 2 टाइम्स, 2:1, 2:1 अगर लिखना है इसका मतलब 2:1. ठीक है जी, 2:1 को 2:1 बोलते हैं. तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ करंट रेशियो, स्टैंडर्ड करंट रेशियो ऑफ, स्टैंडर्ड करंट रेशियो या सजेस्टेड करंट रेशियो भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड करंट रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज 2. दैट इज क्या हो गया बताइए, ₹2 करंट असेट्स फॉर, ₹2 करंट असेट्स फॉर ₹1 लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज. मान लीजिए किसी ने कम रखा, क्या मतलब है इसका, क्या होता है? करंट रेशियो सीआर लिखो तो चलेगा. करंट रेशियो लेस देन 2 टाइम्स क्या बताता है? करंट रेशियो लेस देन 2 टाइम्स
इंडिकेट्स, बताइए, कंपनी में फेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम, यानी कि रिपेमेंट करने में क्या हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है जी। दैट इज मे फेस प्रॉब्लम, किस चीज में फेस प्रॉब्लम टू पे करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है जी। अगर ज्यादा हो गया तो क्या कहते हो, ज्यादा हो गया तो क्या सोचते हो, ज्यादा क्यों रख रहे हो, बताओ। मान लीजिए आपका डेली एक्सपेंडिचर 100 रुपये का है, तो 2000 20,000 रुपया लेके क्यों चल रहे हो कैश फॉर फिजिकल फॉर्म में, बताओ। जब 100 रुपया खर्चा है तो 10,000 20,000 लेके क्यों चल रहे हो, जब आपको पता है कि 100 रुपये पे करना है तो 200 रुपये से काम चल जा रहा है, इमरजेंसी के लिए 100 रुपीज एक्स्ट्रा रख ही लिए, तो अब आप पैसे को इफेक्टिवली यूटिलाइज करो ना, कहीं इन्वेस्ट करो, उससे पैसे जनरेट करो। आप मुझे बताओ, करंट असेट्स तो कुछ आपको कमा के तो नहीं दे रहे ना, वो तो पैसे ब्लॉक ही एक तरीके से देखा जाए तो क्यों ब्लॉक कर रहे हो, बताओ आप मुझे। यानी कि करंट असेट्स मोर देन 2 टाइम्स क्या इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट्स क्या, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इसका मतलब हम कह सकते हैं आपने फंड ब्लॉक करके रखा है, ऐसे समझो, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ठीक है जी। एक होता है क्विक रेशियो, आज इतने पे छोड़े, ऐसे बोल देता हूं ताकि दो चार लाइन रहेगा दिमाग में तो अगले दिन करेंगे। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो कहता है इसमें कुछ क्विक एसेट्स है जो इमीडिएटली लिक्विड में भी हाईली लिक्विड चाहूं पैसे रियलाइज कर सकते हैं, कहते हैं चाहूं पैसे रियलाइज कर सकते हो डेटर से, स्टॉक से नहीं कर पाओगे, बोलो क्या बात कर रहे हो, प्रीपेड से नहीं कर पाओगे, क्या बात कर रहे हैं, दिखाना प्रीपेड से पैसे रियलाइज करके। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है आपने एम्प्लॉई को दे रखा है, वो काम करके आपके पैसे को सेटअप करेगा, पैसे नहीं देने वाला, वो कहता है ये इमीडिएटली रियलाइज नहीं होने वाला, ये कहता है कैश, कहते हैं वो तो कैश ही है, ट्रेड रिसीवेबल कर सकते हो, कैसे कर लोगे भाई, डिस्काउंट ऑफर दीजिए, पैसे रियलाइज कीजिए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना उसमें, कहते स्टॉक में से रियलाइज नहीं कर पाओगे, कहते क्यों नहीं कर सकते, कस्टमर आ जाएगा बेच देते, डिस्काउंट ऑफर दे देते, देखो सेल लगा देते, सारे बिक जाएगा, दोबारा नहीं खरीदोगे, दुकान बंद करना है क्या, बिजनेस बंद करना है, बताओ आप मुझे, जब बिजनेस बंद नहीं करना है तो इसका मतलब क्या हो गया बताइए, स्टॉक जो है इमीडिएटली आप नहीं खत्म कर पाओगे, और स्टॉक खत्म करोगे तो दूसरा स्टॉक लाने पड़ेंगे और आपके आगे के बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे लोग मान के चलते कि स्टॉक को हम इमीडिएटली रियलाइज नहीं कर सकते, यानी कि हमारे करंट असेट्स में दो जो है ये हमारे लिए लिक्विड है, कौन कौन, ट्रेड रिसीवेबल कैश है जो लिक्विड क्विक है, क्विक एसेट्स क्विकली रियलाइज हो जाएगा, तो कहते हैं क्विक एसेट्स इसके रेस्पेक्ट में देख लो, पूरे के पूरे लाइबिलिटी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता है हमारे लिए क्विक रेशियो, कहते हैं हाईली लिक्विड रेशियो देखते हैं, कैश रेशियो देखते हैं कि कैश में कन्वर्ट करवाना ही ना पड़े, कैश कितना है, तो कैश डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया, तीन रेशियो तो हमारे आ गए, क्या बताओ, और एक होता है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, ठीक है जी, तीन रेशियो, तीनों किसके रेस्पेक्ट में, करंट लाइबिलिटी के रेस्पेक्ट में। एक होता है बेसिक डिफरेंस इंटरवल, कि जो हमारे पास कैश है ना वो कितने दिन के बिजनेस को रन कर सकते हैं, कितने दिन के लिए चला सकता है, बेसिक डिफरेंस इंटरवल चौथा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस पर बहस करेंगे, ठीक है, गलत लिख दिया कहां पे, करंट रेशियो मोर देन 2 टाइम्स इंडिकेट्स, बुरे तरीके से यूटिलाइज हुआ है, इनएफिशिएंट, सॉरी फिर से बोलो, अच्छा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, वही तो क्या, आप मुझे बताओ, आप जेब में 10,000 लेके चलो, इसका मतलब क्या है बताइए, आप अपना बेनिफिट जो है ना गवा रहे हो, 10,000 को बैंक में रखो ना, उससे इंटरेस्ट मिल रहा, लेकिन आपने क्या करा, सरप्लस लेके घूम रहे हो जेब में, इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हुआ, तो हम क्या बोल रहे हैं,
इन एफिशेंट यूटिलाइजेशन, इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हुआ आपका, इन इफेक्टिवली यूटिलाइज हुआ है, इन एफिशेंट लिखा हमने, ठीक है जी।